मैं आप लोगों को ये लेक्चर दे रहा हूँ। रिलेशन फंक्शंस का बेसिक मैथ का मैं आपको दे चुका हूँ। आज बारी है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की। बहुत दिनों से बच्चों की डिमांड आ रही थी, आपको याद होगा लाइव क्लास में, सर फार्मूला शीट दे दो सर, एक साथ सारे फार्मूला लिख दो सर। आज उनकी पूरी मनोकामना पूरी हो चुकी है भाई साहब। मैंने तुम्हें बात पहले भी बोली है, दो ही ऑप्शन है, या तो कर लो चुपचाप 11वीं में, या फिर 11th वेस्टेड बोलोगे और उसके बाद 12th में रो रो के करोगे, क्योंकि 12th बोर्ड भी पास नहीं होंगे बिना इन फॉर्मूलेस के। ट्रेंड बच्चे जो होते हैं जेई की तैयारी करके जाते हैं एग्जाम में, वो ऐसे ही जाते हैं। तुम सोचते हो ना भाई AIR 1 कैसे जल्दी जल्दी कर देता है, कैसे 5 सेकंड में सवाल कर दिया, सर मैं तो अभी लिखना ही शुरू कर रहा था। तो ये सब चीज़ें माइंड में उसके स्टोर्ड हैं, बिल्कुल वो पता है कि भाई ऐसे होता है। सर आगे कैसे करूँगा, हमें याद नहीं आ रहा नोट्स की बातें, हमने नोट्स नहीं पढ़े सर, हम तो नोट्स बनाता ही नहीं हूँ, हम तो सोचते थे नोट्स इंपॉर्टेंट ही नहीं है। समझ गए ना क्यों इंपॉर्टेंट है नोट, 2 साल की तैयारी कर रहे हो भाई तो तुम्हारे लिए नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चंस खूब सारे सवाल करने से कुछ नहीं होगा, फिर प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करे जा रहे हो नहीं रहे, बस देखे जा रहे हो सॉल्यूशन हो नहीं रहे देखे जा रहे हो, इससे कुछ नहीं होगा। तुम्हें थॉट प्रोसेस बनाना पड़ेगा, अपना सोचने का तरीका बनाना पड़ेगा। हेलो बच्चों, क्या हाल है भाई आप लोगों के, अर्जुनास कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद है सब बढ़िया है, मजे में है भाई। और एक समरी लेक्चर लेके मैं आ गया हूँ आपके पास, मैं नहीं आया हूँ मतलब मेरा पास्ट टेंस में मैं आपके पास आया था, जो आपके पास अब फ्यूचर में आ रहा है मतलब रिकॉर्डेड में मैं आप लोगों को ये लेक्चर दे रहा हूँ। क्योंकि बेटा समरी लेक्चर देखो रिकॉर्डेड ही करते हैं हम, क्योंकि लाइव करने जाएंगे तो उसमें आप अपनी स्पीड से नहीं इसको ले पाएंगे, अपनी स्पीड से कंज्यूम करना होता है इस लेक्चर को, पॉज कर करके क्वेश्चंस ट्राई करिए। क्योंकि समरी का मतलब है कि एक तरह से रिवीजन हो रहा है, तो जो आपने टॉपिक्स पढ़ लिए हैं उनको एक बार बढ़िया करके रिवाइज कराने के लिए ये टॉपिक्स ये लेक्चर्स होते हैं। सेट का, रिलेशन फंक्शंस का, बेसिक मैथ का मैं आपको दे चुका हूँ, आज बारी है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की। ठीक है भाई, तो एज ऑलवेज हम क्या करेंगे, इसमें पहले कुछ कॉन्सेप्ट समराइज कर दूंगा, फिर हम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे। देखो ट्रिग्नोमेट्री में कॉन्सेप्ट के नाम पर तो फार्मूला ही है, मेन तो फार्मूला ही है, और उसके साथ हमें क्वेश्चंस ही मेन करने हैं। ठीक है, तो आप सभी ने बहुत दिनों से बच्चों की डिमांड आ रही थी, आपको याद होगा लाइव क्लास में, सर फार्मूला शीट दे दो सर, एक साथ सारे फार्मूला लिख दो सर। आज उनकी पूरी मनोकामना पूरी हो चुकी है भाई साहब, सारे फार्मूला एक जगह आपको मिल जाएंगे। तो ये हो गए नेगेटिव एंगल, ए प्लस बी ए माइनस बी वाले फॉर्मूलाज। अब मैंने यहाँ पे अलाइड एंगल्स नहीं लिखे हैं, वो आपको ऑब्वियसली डिराइव करने होते हैं, क्योंकि खुद ही 180 प्लस माइनस थीटा वाले और 270 प्लस माइनस थीटा वाले, 90 प्लस माइनस थीटा वाले और 360 प्लस माइनस थीटा वाले, इनके बेसिकली सारे के सारे होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सबके फॉर्मूलेज होते हैं। तो बहुत सारे हो जाते हैं, वो लिखा नहीं मैंने, उनको क्विकली डिराइव करना होता है। आपके स्टेप्स बताए थे मैंने अलाइड एंगल फॉर्मूला को डिराइव करने के, तो नेगेटिव एंगल, अलाइड एंगल, कंपाउंड एंगल, कॉट ए प्लस बी कॉट ए माइनस बी भी बताया था, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो मैंने यहाँ लिखा नहीं, बट अगर आप स्कूल को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हैं तो कॉट ए प्लस बी और कॉट ए माइनस बी के फॉर्मूलाज भी यहाँ पर आप लिख लीजिएगा। नहीं याद आ रहे हैं तो नोटबुक में देख लीजिए, नहीं तो NCERT में देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं ये। NCERT में बस एक क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट हैं, बाकी तो ये वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा कुछ बढ़िया बढ़िया वैल्यूज जो लर्न करनी होती है हमें अलग अलग, मैंने सब एक जगह लिख दी हैं। ठीक है, 15 डिग्री 75 डिग्री की ये 4 वैल्यूज, 22.5 डिग्री की ये 2 वैल्यूज, और 18 डिग्री और 36 डिग्री की ये 2 ही लर्न करनी है। अब देखो मॉड्यूल में मैंने तुम्हें बात पहले भी बताई थी, साइन 18 मैंने तुम्हें लर्न करने को बोला है, वहाँ कॉस 18 भी दिया हुआ है ना, कॉस 36 दिया, साइन 36 भी दिया हुआ, ऐसे क्या क्या लर्न करोगे। वो बड़ी खराब वैल्यू आती है, रूट 10 माइनस 2 रूट 5 बाई 4, अजीब सी वैल्यू आती है, मुझे भी लर्न है वो, बट मुझे क्वेश्चन लगाते लगाते हो गई हो, तुम्हें लर्न नहीं करनी। अगर कॉस 18 निकालना पड़े तो रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 करके क्विकली कॉस 18, कॉस स्क्वायर 18 ये नहीं हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 तो पॉजिटिव वाला ही होगा क्योंकि कॉस 18 फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो कॉस 18 में इस तरह से निकाल लिया जाएगा भाई साइन 18 की वैल्यू डाल के, है ना। सिमिलरली साइन 36 अगर निकालना हो तो साइन 36 भी आप निकाल सकते हैं, रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर 36, कॉस 36 की वैल्यू डाल लेना और अप्लाई कर देना। तो ये सब वैल्यूज लर्न करनी है, ठीक है सर कर लेंगे। उसके बाद बेटा डबल एंगल्स के और ट्रिपल एंगल्स के फॉर्मूलाज होते हैं, जिनको हम मल्टीपल एंगल्स करके भी या सब मल्टीपल एंगल्स करके भी लगा देते हैं। मैंने डबल लिख दिया, ट्रिपल लिख दिया, मल्टीपल नहीं लिखे हैं, वो ऑब्वियसली यही फॉर्मूले होते हैं सारे, 2θ θ में जा रहा है तो 4θ 2θ में जाएगा, एंड सो ऑन, ये आने चाहिए। इसके बाद सबसे ज़्यादा खतरनाक फॉर्मूले जो मुझे लगता है जिनमें याद करने में सबसे ज़्यादा पसीने छूटते हैं, अच्छे अच्छे सबके, हमारे भी छूटे थे बेटा, इनको लर्न करना, जितने क्वेश्चन लगाओगे उतना ही लर्न होता जाएगा, CD फॉर्मूलाज, और इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन, और ये होता है डी फैक्टराइजेशन के 4। तो ये 8 फॉर्मूलेस का सेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब कर लो यार। देखो नहीं तो मैंने तुम्हें बात पहले भी बोली है,
दो ही ऑप्शन है, या तो कर लो चुपचाप 11वीं में, या फिर 11th वेस्टेड बोलोगे और उसके बाद 12th में रो रो के करोगे, क्योंकि 12th बोर्ड भी पास नहीं होंगे बिना इन फॉर्मूलेस के, 12th तक जाके लगेंगे। तो तुम्हारे हाथ में है कि काम रो धो के करना है या फिर चुपचाप कर लेना है। तो मतलब कॉमर्स वाले बच्चे भी ये लर्न करते हैं, तुम सोच लो, क्योंकि 12th में वरना मैथ्स पास ही नहीं हो पाएगी ना उनकी। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप सबको करना है, और आप तो स्पेशली इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, IIT करना चाहते हैं, मैथ्स ले रखी है आपने, साइंस ले रखी है, तो ये तो आपको लर्न करने ही करने हैं, कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई। उसके बाद हाँ, ये ऑप्शनल है स्पेशली JEE के लिए, जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज, ये आप JEE के लिए काफ़ी बढ़िया ट्रिक फॉर्मूलाज होते हैं जो आपको लर्न करने हैं, है ना। इससे हमने देखा था क्वेश्चन भी खूब सारे लगाए थे क्लास में, बहुत खट से आंसर निकल के आता है हमारा बेटा इसमें। हाँ, अगला वाला फिर ट्राइंगल्स के, एंगल्स इन अ ट्राइंगल 180, अगर a+b+c 180 होता है तो हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्री, कुछ ट्राइंगल की आइडेंटिटीज हैं और कुछ इनइक्वालिटीज भी हैं जो नीचे लिखी हुई हैं, है ना भाई। ये रही नीचे तीन इनइक्वालिटी, इनका मैंने प्रूफ नहीं बताया था, अभी के लिए आप इनको लर्न कर लीजिए, तो बस बाकी प्रूफ जहां कहीं आएगा लगा दूंगा, करवा दूंगा मैं। उसके बाद मैक्सिमम मिनिमम रेंज से रिलेटेड ये तीन फॉर्मूलाज थे, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, या ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स की रेंज, ये होती है ए स्क्वायर टेन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा की 2ab से इन्फिनिटी होती है, और ए स्क्वायर सेक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर की ए प्लस बी होल स्क्वायर से इन्फिनिटी होती है। ये तीन फॉर्मूले रेंज में याद करने थे, AMGM इनइक्वालिटी से हमने प्रूव किया था। इसके बाद क्या था, हाँ कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूला और थे, याद करो 1 cos 2θ 1 cos 2θ, मैंने बताया था कि भाई साहब डबल एंगल के ये वाली फॉर्म्स ज़्यादा घिसी जाती हैं, देखा था तुमने एडवांस के सवाल में भी ये लगा था, 1 sin 2θ का फॉर्मूला, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 cos में आते हैं 2 sin² 1 में आती है 2 cos², इसको आपको याद रखने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, डबल एंगल वालों की एक तरह से एक्स्ट्रा फॉर्म्स हैं ये, वही डबल एंगल फॉर्मूलाज को इस तरह से भी लिखा जाता है, सब डिटेल में कराया हुआ है क्लास में। उसके बाद एंगल्स इन AP JEE के लिए एक्स्ट्रा फॉर्मूला, एंगल्स इन AP ये वाला याद करो, तीन सीरीज के होते हैं, सम के, साइन कॉस के और प्रोडक्ट में कॉस के, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इस पे देखा था कितने सारे JEE के क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व करे थे बेटा, ठीक है। तो फॉर्मूलाज लर्न करना फर्स्ट स्टेप है, दूसरा स्टेप है सवाल क्लास के लगाना, तीसरा स्टेप है उनको रिवाइज करना, चौथा स्टेप है फिर खूब सारे सवाल प्रैक्टिस करना, जैसे असाइनमेंट दिए मैंने, DPP दिए, मॉड्यूल दिया है, वहां से जितने सवाल लगाओगे ट्रिग्नोमेट्री में उतने चैंपियन बनते जाओगे। कई लोग गड़बड़ क्या करते हैं, लेवल वन पे ही फंस जाते हैं, लर्न ही नहीं करे फॉर्मूले, फिर सोचते हैं हमसे एप्लीकेशन हो जाए डायरेक्ट, सर हमसे सवाल नहीं हो रहे, तो बेटा वो लेवल 4 जाके होगा। तुम पहला लेवल अभी फॉर्मूले तो लर्न करोगे, उसके बाद ही तो चीज़ें होंगी। तो जिनको फॉर्मूले लर्न हो गए उनमें भी बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिनसे नहीं क्वेश्चन होते, क्योंकि अभी वो लेवल 2-3 पे अटके हुए हैं, जब तुम लेवल 2-3 के पार करके 4 पे जाओगे तब क्वेश्चन होने शुरू होंगे, और हम क्या सोचते हैं सीधे हम लेवल 4 पहुंच जाए, नहीं होगा वैसा, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये बात। आगे बढ़ते हैं, चलिए तो अब कुछ सवालों से हम स्टार्ट करते हैं अपना रिवीजन। फॉर्मूलेज मैंने एक तरह का दे दिए आपको, सारी स्लाइड्स एक जगह मिल गई हैं, बढ़िया करके अब अपने एक शीट बनाइए और टेबल के ऊपर जहां आपकी स्टडी टेबल है वहां चिपकाइए। ऐसा नहीं कि याद नहीं करूंगा सर, सामने से देख देख के लगा लूंगा, नहीं, चिपकाना इसलिए ताकि जब भी आप बैठे हुए हैं ट्रिग्नोमेट्री नहीं भी पढ़ रहे, नजर गई तो आपको वो बैक ऑफ द माइंड एक तरह से आपका रिवाइज होते जाएंगे, नजर जाएगी जबकि अच्छा ये साइन सीरीज का फॉर्मूला, तो बार बार क्योंकि देख आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड वाली चीज होती है ना, तो हम आउट ऑफ साइट नहीं करना चाहते, हम अपनी साइट में ही रखना चाहते हैं, मतलब अपनी नजर के सामने रखना चाहते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ फॉर्मूलाज को पेस्ट करिए अपनी स्टडी टेबल पे। मम्मी से मार पड़ेगी सर दीवार पे चिपका देंगे, तो दीवार पे मत चिपकाओ यार, कहीं पे और लगा लो कुछ, मतलब थोड़ी जुगाड़बाजी सोचो, हाँ जिसमें बेटा मम्मी भी खुश रहे तुम भी खुश रहो, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ेंगे, पहला सवाल लेते हैं, बहुत प्यारा, 2018 ऑनलाइन क्यों लिखा है सर, क्योंकि पहले ऑफलाइन भी पेपर होता था भाई साहब, पहले ऑप्शन होता था बच्चों पे कि आप ऑनलाइन जाना चाहते हैं या ऑफलाइन जाना चाहते हैं पेपर के लिए, तो ये ऑनलाइन में हुआ था 2018 का। इन एन एंगल, इफ एनी एंगल ए ऑफ ट्राइंगल ABC सेटिस्फाइज दिस, कॉस ए -3/5 है, अच्छा रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, अरे वाह बहुत मजेदार, देख रहे हो पहले JEE मेन कैसा हल्का फुल्का आता था, हल्का फुल्का बिल्कुल, हाँ ये देखो रूट तो निकाल ली जाएंगी, 9x² स्प्लिटिंग ना मिडिल टर्म, 20 और 9 के फैक्टर 10 2 9, ये तो नहीं हुआ सर, तो नहीं हुआ, 3 × 3 भी कर लो, अरे यार हो जाना भाई मेरे, क्या करेंगे हम, हमें लाना है 27,
27। ठीक है भाई, दो को भी अलग करना ही पड़ेगा। 25 और दो तो नहीं हो रहे, 25 दो तो 50 होते हैं। अरे यार बहुत दुख है सर लाइफ में। 24 और 3 तो नहीं हो रहे, नहीं 5 तो लाना ही है, 5 तो लाना ही है, क्या करूं। स्प्लिटिंग द मिडिल काहे नहीं हो रही भाई, हो जाता है देखो कभी कभी। 9 को लिख लिया, चलो अब तमीज से कर ही लेते हैं। 3 × 3 2 × 2 × 5 ठीक है सर। 15 और 12, 15 और 12, हाँ, अब आया मजा सर। तमीज से पहले ही कर लेते तो पहले ही मिल जाता। 15 हो गया 5 × 3 और 4 × 3 = 12, तो 15x + 12x। जो मैंने अभी बोला है ना पिछले एक मिनट में, वो सब मेरे दिमाग में चल रहा होता है जब मैं सवाल कर रहा होता हूँ वो मैंने बोल भी दिया बस, ठीक है। हाँ तुम सोच रहे हो सर आप कितने बड़े वाले हो, 289 रैंक लाए हो और आपसे स्प्लिटिंग द मिडिल नहीं हो रही। भाई जब सवाल कर रहे होते हो तो ऐसे ही आती है रैंक भी और ऐसे ही थॉट आते हैं, ठीक है। चलो भाई, 3x कॉमन 3x + 5 और इधर से 4 कॉमन 3x + 5, तो हमारे पास क्या आ गया, 3x + 4 × 3x + 5। तो इस क्वाड्रेटिक के रूट्स तो आ गए -4/3 और -5/3, -4/3 -5/3 रूट्स आ गए बेटा। अच्छा सर रूट्स तो आ गए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सर। अब क्या करूं, अब पढ़ो जरा सवाल, रूट्स ऑफ कौन से हैं। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट कर रहे हैं और मुझे कॉस ये दिया है, तो जरा ट्राइंगल बना लेता हूँ। कॉस का ट्राइंगल बना लेता हूँ। बेस है 3, ये 5, अच्छा परपेंडिकुलर 4 हो गया। अब मुझे एक बात बताइए कि मैं साइन ए को जब लिखूंगा 4/5 प्लस का लिखूं या माइनस का, प्लस लिखूंगा बेटा। क्यों, क्योंकि एंगल ट्राइंगल का है, ट्राइंगल का एंगल 180 से कम ही होता है, बट 180 से कम मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा, इनफैक्ट फर्स्ट सेकंड में ही रहेगा, सेकंड में होगा क्योंकि कॉस ए नेगेटिव सेकंड में होता है और थर्ड में, थर्ड नहीं ले पाऊंगा, थर्ड में एंगल 180 से बड़ा हो जाता है, ये जीरो होता है 90 180 270, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आने के लिए 180 से बड़ा होना पड़ेगा। 180 से बड़ा नहीं हो सकता क्योंकि एंगल ए ट्राइंगल का एंगल है, कोई भी एंगल 180 से बड़ा नहीं होता ट्राइंगल में, यानी कॉस ए नेगेटिव का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट ही है यहां पे, इसलिए साइन पॉजिटिव। टेन क्या हो जाएगा, टेन ए हो जाएगा -4/3। तो अगर अब मैं रूट्स देखूं क्या क्या आई, देखो एक तो ये आई, ये तो टेन ए हो गया, टेन ए हो गया भाई साहब, और ये क्या हो गया, ये तो मुझे दिख ही रहा है, ये तो सीधे इसका रेसिप्रोकल है, यानी ये sec a हो गया। तो रूट्स जो आ गई हैं tan a और sec a आ गई हैं, tan a और sec a सी ऑप्शन आ गया है। तो मैंने भाई एक भी सवाल ये सॉल्व नहीं किया है, ठीक है, आज जो आने वाले हैं क्वेश्चन तुम्हारे साथ साथ कर रहा हूँ, हो सकता है कोई टाइपिंग वाइपिंग मिस्टेक हो तो भाई गुस्सा मत करना सर, ये क्या हो गया, गलती भी हो सकती है, तुम्हारे साथ साथ ही मैं कर रहा हूँ जस्ट टू शो यू कि किस तरह से मैं अटेम्प्ट करता हूँ क्वेश्चन। सी ऑप्शन बढ़िया था ना, देखो एएसटीसी रूल पे बेस्ड सवाल सर, अब इतना आसान क्यों नहीं आता, अभी भी आएगा यार, अभी भी आएगा, ऐसे क्वेश्चन अभी भी होते हैं, बस कम होते हैं, पहले बहुत ज्यादा होते थे। अगला एक और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन क्या है सर बेहतरीन, 1 + tan 11 × 1 + tan 34। अब देखो जिन्होंने क्लास के नोट बढ़िया करके कर रखे हैं ना, रिवाइज जो करते हैं वो इसका आंसर ओरली बता देंगे। अब ये एक बहुत प्यारा एग्जांपल है ये समझने के लिए व्हाई क्लास नोट्स आर इंपॉर्टेंट। जिनको बेटा ये क्लास नोट्स में चमक गई चीज क्लास नोट्स की, जल्दी कमेंट करके बता दें क्या चमका। देखो मैं बता देता हूं जिनको नहीं चमका, अगर मैं इन दोनों एंगल्स का सम देखूं तो बहुत प्यारा हो रहा है, 11 + 34 मिलाकर 1 हो रहा है ना, 45 हो रहा है। हाँ तो हम क्या करेंगे, 45 को ब्रेक करेंगे 11 + 34। अब याद आया क्लास नोट्स का क्वेश्चन, बस वहां मैंने आई थिंक 18 और 27 दिया था, इस बार मैंने 34 और 11 दे दिया, तो और 10 दोनों तरफ ले लेते हैं, तो 10 45 हो गया, 10 11 और इसमें 10a+b लगा दो, तो 10 34 + 10 11 अपॉन 1 - tan 34 tan 11 और 10 45 की वैल्यू तो 1 होती है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 34 + tan 11 और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेफ्ट में भी ले आओ +tan 34 × tan 11, इसकी वैल्यू 1 आ जाती है, ऐसा क्वेश्चन प्रूव किया था क्लास में। तो अब मैं तुम्हें बोल रहा हूं अगर तुम समझदार हो और न्यूमरेटर का ब्रैकेट खोल दोगे तो क्या क्या बनेगा, 1 + tan 11 + tan 34 + tan 11 × tan 34, ये न्यूमरेटर में बनेगा और इतनी चीज की वैल्यू ये भाई साहब 1 हो चुकी है, यानी न्यूमरेटर में 1 + 1
टू लिखा है, तुम्हें डायरेक्टली सोचना चाहिए ये चीज, ये सब लिखना नहीं है। जिनको नोट्स खट से बिल्कुल याद हैं, कॉन्सेप्ट्स याद हैं, नोट्स के क्वेश्चन बार बार रिवाइज करते हैं, वो डायरेक्टली बता देंगे कि सर इस चीज की वैल्यू तो वन आती है, यानी वन प्लस वन, सो न्यूमरेटर की वैल्यू टू हो गई। डिनोमिनेटर में भी अब सोचो 17 और 28 फिर 45 है, तो बिल्कुल सेम कहानी हो जाएगी। फिर से जब ब्रैकेट खोलोगे, एक तो 1 इंटू 1 1 आएगा ही, और बाकी सब कबाड़ा बिल्कुल इसकी तरह 1 प्लस 1 वो भी 2 हो जाएगा, तो यानी 2 अपॉन 2 आंसर हो गया 1, खत्म, आंसर हो गया 1। दिस इज द पावर ऑफ नोट्स एंड रिवीजन ऑफ नोट्स। ट्रेंड बच्चे जो होते हैं जेई की तैयारी करके जाते हैं एग्जाम में, वो ऐसे ही जाते हैं। तुम सोचते हो ना भाई AIR 1 कैसे जल्दी जल्दी कर देता है, कैसे 5 सेकंड में सवाल कर दिया, सर मैं तो अभी लिखना ही शुरू कर रहा था। तो ये सब चीज़ें माइंड में उसके स्टोर्ड हैं बिल्कुल, वो पता है कि भाई ऐसे होता है। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, दिमाग में हमने देखा कि भाई इसका और इसका सम 45 है, और ये हमने क्लास में बहुत बार किया है कि ऐसा जब करते हैं तो इस चीज़ की वैल्यू 1 आ जाती है। अब कोई भी एंगल हो, 34-11 है, कोई भी दो ऐसे एंगल हो जिनका सम 45 हो रहा है, उसमें ये चीज़ वैलिड रहेगी। 27 और 18 में भी यही हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़िया क्वेश्चन था। 2020 का एक जेई मेन का सवाल उठाते हैं, ठीक है। देखिए रूट टू साइन अल्फा अपॉन रूट वन प्लस कॉस टू अल्फा। तो सर एक बात तो समझ गया, वन प्लस कॉस टू अल्फा देखते ही दिल गार्डन गार्डन हो गया सर। वन प्लस कॉस टू, वन माइनस कॉस टू, चिल्ला चिल्ला के क्लास में बताया था बेटा, वन के साथ जब भी कॉस टू थीटा साइन टू थीटा आ जाए तो खुश हो जाओ। क्यों? क्योंकि वो डबल एंगल्स की ये वाली फॉर्म है, वन प्लस कॉस टू वन माइनस कॉस टू, ये वाला इसके ऊपर क्वेश्चन दे दिया जेई ने। तो रूट टू साइन अल्फा अपॉन वन प्लस कॉस टू अल्फा होता है टू कॉस स्क्वायर अल्फा। ये रूट टू और ये रूट टू तो कट गए, और नीचे बेटा तुम देख पा रहे हो रूट कॉस स्क्वायर अल्फा, तो मॉड कॉस अल्फा आना चाहिए, बट क्योंकि कॉस अल्फा अल्फा बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मॉड का कोई काम इस बार नहीं है, ठीक है। आसान क्वेश्चन दिया है, मॉड लगाना भूल भी जाते तब भी बच जाते। तो टेन अल्फा आ गया 1/7, टेन अल्फा आ गया 1/7, और इसको देखो, इसको देखो, 1 माइनस कॉस टू बीटा होता है 2 साइन स्क्वायर बीटा अपॉन 2 का रूट, और यानी 2 कटा मॉड साइन बीटा आता, बट मैं मॉड को पॉजिटिव से खोल रहा हूं, ओ बच गया। साइन बीटा इक्वल टू 1/√10, और ट्राइंगल बना दूं अगर तो मुझे दिख रहा है यहां 3 आ जाएगा, यानी टेन बीटा की वैल्यू 1/3 आ जाएगी, ठीक है। टेन बीटा की वैल्यू 1 बाय, अब तुम हमारी क्लास का क्वेश्चन बन गया इसके आगे, देख रहे हो ना कैसे क्लास नोट्स काम आते हैं जेई का क्वेश्चन के अंदर। ये मैंने क्लास में कराया हुआ है, टेन अल्फा ये दिया था, साइन बीटा ये दिया हुआ था, अल्फा प्लस टू बीटा पूछा था, 45 आया था आंसर, 45 आया था मुझे याद है आंसर। तुम नोट्स में खोल के देख लो, अगर विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं है तो खोल के देख लो, टेन ऑफ पूछा है, यानी टेन 45 1 हो गया आंसर। सर आगे कैसे करूंगा, हमें याद नहीं आ रहा नोट्स की बातें, हमने नोट्स नहीं पढ़े सर, हम तो नोट्स बनाता ही नहीं हूं, हम तो सोचते थे नोट्स इंपॉर्टेंट ही नहीं है। समझ गए ना क्यों इंपॉर्टेंट है नोट, 2 साल की तैयारी कर रहे हो भाई तो तुम्हारे लिए नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसी ऐसी चीजें यूज होती हैं। अब देखो टेन बीटा आ गया, तो टू बीटा निकाल लो, तो टेन टू बीटा, जिनको याद नहीं आ रहा, टू टेन बीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर बीटा, तो ये हो गया 3/4, और अब इसमें कंपाउंड एंगल लगा लेना, तो टेन अल्फा प्लस टू बीटा, टेन अल्फा प्लस टेन टू बीटा अपॉन वन माइनस टेन अल्फा टेन टू बीटा, टेन अल्फा की जगह 1/7, इसकी जगह 3/4। अब याद आया बेटा, हाँ सर अब कुछ देखा देखा लग रहा है, और ये एलसीएम लेंगे 28 28 कटेगा, 4+21 अपॉन 28-3 25/25, बिल्कुल सेम डेटा था क्लास में भी, 1 हो गया आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे भाई साहब, अगला एक और सवाल लेते हैं बढ़िया सा, ऑनलाइन 2018 का एक और सवाल ट्रिग्नोमेट्री पे। पहले ऑनलाइन में ऐसे नहीं होता था, 15-20 दिन चल रहा है पूरा, मजे आ रहे हैं रोज रोज जब मर्जी दो सुबह शाम, पहले एक पेपर होता था ऑनलाइन का भी। देखिए टेन ए एंड टेन बी आर पुट्स ऑफ, आय हाय हाय हाय, पुट्स नया शब्द आया है भाई डिक्शनरी में, मैथ्स में नया शब्द आया है, तो टाइपिंग एरर है, मैंने तुम्हें बताया मैंने सॉल्व नहीं करे हैं क्वेश्चन, इसलिए मैं ऑब्वियसली उनके एरर्स नहीं देख पाया हूँ। रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक दिस, तो एक बात तो समझ आ गई, टेन ए प्लस टेन बी सम ऑफ रूट्स, माइनस बी बाय ए करेंगे तो 10/3 हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, टेन ए इंटू टेन बी करेंगे
प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी बाय, तो माइनस 25/3 है ना भाई, और फैक्टर तो नहीं हो रहे इसके, 5 × 5 = 3 × 5 × 3 वो तो रहे हैं यार इसके, तो बड़े अच्छे फैक्टर हो रहे हैं, ये तो फैक्टर ही बड़े अच्छे हो रहे हैं भाई, मजा ही आ गया, फैक्टर भी अच्छे हो रहे हैं लग रहा है मुझे, क्योंकि मुझे लग रहा है 15 - 5 लिख दूंगा इसको, तो यानी फैक्टर भी अच्छे तो हो ही रहे हैं, एक दिमाग में तो ये आ रहा है कि यार फैक्टर ही कर लूं, चल रहा है दिमाग में, बाकी इन दोनों से मुझे आ रहा है 10a + b, तो निकाल ही लेता हूं, 10a + 10b अपॉन 1 - 10a 10b, माइनस माइनस प्लस कर दिया है, 10/28 5/14 5/14 आ गया है ये। अब देखना भाई मजेदार चीज होने वाली है, सर हमारे पास तो 10a + b है, यहां तो साइन कॉस की बात करने को कही जा रही है, कोई बात नहीं, इसमें से अगर मैं कॉस स्क्वायर वाली टर्म जबरदस्ती कॉमन निकाल लूं, ये देखो कॉस स्क्वायर वाली जबरदस्ती कॉमन निकालता हूं, आनी री निकालेंगे सर, क्यों, क्योंकि टेन बनाना है, देखो अगर मैं जबरदस्ती कॉमन निकाल लूं कॉस स्क्वायर ए प्लस बी, पॉज करके ट्राई करो भाई, तो साइंस 3 sin² के नीचे कॉस स्क्वायर आ जाएगा, तो 3 tan² a + b हो जाएगा है ना, और इसमें एक कॉस था बट आपने कॉस स्क्वायर निकाला है, तो एक कॉस से डिवाइड हो जाएगा, माइनस टेन बच जाएगा साइन अपॉन कॉस 10a + b, और माइनस 25 बन जाएगा, तो बेसिकली मैंने सबको टेन स्क्वायर में चेंज कर लिया सर, ये तो रह गया, कोई नहीं इसका भी जुगाड़ करते हैं, क्योंकि मेरे पास देखो 10a + b है, तो इसका जुगाड़ कैसे करोगे, इस कॉस स्क्वायर को नीचे सेक स्क्वायर लिख लो, इस कॉस स्क्वायर को नीचे, तो 3 tan² a + b माइनस 10 tan a + b माइनस 25 अपॉन sec² a + b लिख लिया, और sec स्क्वायर को हटा के 1 + tan² कर लो, 1 + tan² कर लो भाई, ठीक है, बस अब तो सब 10 की वैल्यू डाल दो बेटा, 5/14, तो 3 × 5/14 होल स्क्वायर माइनस 10 × 5/14 माइनस 25 14² LCM ले लो और काट पीट कर दो जरा, 25 × 3 = 75 माइनस 50 × 14 माइनस 25 × 14² अपॉन 14² + 25, ठीक है जी, ठीक तो है, ठीक तो है, अब क्या करें, अब क्या करें, बस कैलकुलेशन ही रह गई है भाई साहब, कैलकुलेशन ही रह गई हैं, तो अब कुछ कॉमन वॉमन तो आ नहीं रहा यार, 25 आ रहा है वैसे, 25 कॉमन आ रहा है, चलो 25 कॉमन ही ले लेते हैं, 25 × 3 = 75 माइनस 28 माइनस 196, 14 का स्क्वायर 196 है ना, 25 ऊपर से कॉमन, 196 प्लस 25, कैलकुलेशन करेंगे सर, हाँ जी करेंगे, बिल्कुल करेंगे, 196 तो ये, अरे वाह मजा ही आ गया भाई, मजा ही मजा हो गया, कैसे 3 - 28 क्या होता है, -25 -196 अपॉन में भी नीचे 25 + 196, और अब ऊपर से माइनस कॉमन ले लूं तो ये भाई बिल्कुल कट जाएंगे इसके साथ, माइनस बाहर आ जाएगा, सो -25 हो गया आंसर, देख रहे हो ना कैलकुलेशन ओपी स्टाइल, -25 हो गया आंसर, डी ऑप्शन इस प्रकार से करना है भाई, बढ़िया क्वेश्चन था, देखिए एक और हमने निपटा दिया, अच्छा क्वेश्चन, अब बन रहा होगा भाई धीरे धीरे थॉट प्रोसेस बनना चाहिए इन क्वेश्चंस के थ्रू, चलिए एक और लेते हैं, एक और जेई का सवाल उठाएंगे पहले, 2020 का ही क्या है सर इसमें, देखते हैं भाई क्या है, लग रहा है एल दिया हुआ है, एम दिया हुआ है, π/16 π/8 बड़े गंदे एंगल है भाई ना, π/8 sin π/8 मतलब sin 22.5 पता नहीं है वैल्यू, tan 22.5 की पता है, तो tan π/8 पता है मुझे बट sin π/8 नहीं पता, ठीक है, तो मैंने देखा कि यार इसमें sin² दोनों में है, बस यहाँ sin² π/16 या cos² इस sin² की जगह वहाँ cos² है, अच्छा ओ तो मुझे दिख गया कि अगर मैं दोनों को ऐड कर दूँ तो बड़ा अच्छा हो जाएगा भाई, एल और एम को जरा ऐड किया जाए उससे क्या होगा, ये sin² + cos² θ sin² π/16 + cos² ये तो 1 हो गया, और ये sin² दो बार आ जाएगा, 1 - 2 sin² दिल में कुछ कुछ होता है सर,
हुआ कि नहीं, कुछ कुछ हुआ? नहीं हुआ सर, तो क्योंकि बेटा नींदों में फॉर्मूले लर्न ही नहीं है, इसलिए कुछ नहीं हुआ। जिनको हो गया वो समझ गए, 1 - 2 sin² थीटा इज फॉर्मूला फॉर cos 2 थीटा, cos 2π/8 यानी cos π/4 हो गया, तो एल प्लस एम हो गया cos π/4। पहली इक्वेशन बन गई है, एल और एम का सम आ गया है, एल और एम का सम आ गया है भाई साहब। ठीक है, समझ गया सर। अब एक और बात, जब ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी कर लेता हूं, उससे क्या फायदा होगा, क्योंकि बेटा अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये वाली टर्म कट जाएगी, है ना, एल और एम को सब्ट्रैक्ट करूंगा, सो एल माइनस एम क्या आ जाएगी, sin² π/16 माइनस cos² π/16, और ये वाली साइन स्क्वायर, ये वाली साइन स्क्वायर कट जाएगी। और इन दोनों को देख के भी दिल में कुछ कुछ होता है सर, क्या होता है, माइनस कॉमन लेके फॉर्मूला दिख रहा है, तो एल माइनस एम इज माइनस टाइम्स cos² θ माइनस sin² θ इज cos 2 θ। ये बन गई दूसरी इक्वेशन, ये बन गई दूसरी इक्वेशन। अब देखो cos π/8 चाहिए भी, ऑप्शन में भी cos π/8 है, और cos π/4 को तो 1/√2 रखी दो, इसको तो 1/√2 रखी दीजिए। जी हाँ, अब क्या करेंगे, बस अब तो हो ही गया, अब आई थिंक एल और एम सॉल्व करने हैं। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर फर्दर एल माइनस एम और एल प्लस एम बना लिया है, इन दोनों को ऐड कर दें, ऐड कर दें अगर 1 और 2 को, तो दिख रहा है एम एम कट जाएगा, तो 1 + 2 12 बच जाएगा बेटा, एल और एल बच जाएगा, तो 1/√2 प्लस, सॉरी माइनस होगा, माइनस cos π/8, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, 1/√2 माइनस हाफ cos π/8, 1/√2 माइनस हाफ cos π/8। ई का हो गया, बहुत दुख हुआ हमें सर, कोई बात नहीं, एल तो आया ही नहीं ना, इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है, एल मैच ही नहीं कर रहा है, तो सिंगल करेक्ट है ना, शायद एम कर जाए, शायद एम कर जाए, देखते हैं। तो एम निकालने के लिए क्या करूंगा, 1 और 2 को सब्ट्रैक कर देता, 1 - 2 अगर करता इन दोनों को सब्ट्रैक्ट, तो एल कट जाता, 2m बच जाता, तो 2m बराबर 1/√2 माइनस माइनस प्लस cos π/8, तो m बराबर 1/√2 प्लस 1/2 cos π/8, तो m की वैल्यू हो जाती 1/√2 प्लस हाफ डी ऑप्शन, डी ऑप्शन भाई करेक्ट आ चुका है, मैच कर गया। ठीक है, क्या क्वेश्चन था, देखो सिर्फ डबल एंगल पे बेस था और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हमने देखा 1 - 2 sin² वाला फॉर्मूला लग गया cos 2 θ का, और यहाँ cos² - sin² वाला cos 2 θ का फॉर्मूला लग गया डबल एंगल पे। सर हमें कैसे पता लगेगा डबल, खुद देखो ना, यहाँ π/16 और π/8 है, क्या रिलेशन है, डबल, ऑप्शन में भी π/8 π/16 डबल, तो साफ दिख रहा है डबल एंगल का ही क्वेश्चन था, डबल एंगल का ही क्वेश्चन था बेटा, देख लीजिए, देख लीजिए भाई। चलो अगले पर आते हैं, अगले पर आते हैं, एक ये निपटाइए, एक ये निपटाइए, 2021 का जेई मेन का, 2 sin π/8 sin 2π/8 sin 3π/8 5π/8 6π/8 7π/8, बहुत सारे एंगल आ जाते हैं सर, तो अलाइड एंगल का मदद लेंगे, मदद लेते हैं हम, है ना, फर्स्ट और लास्ट का सम पाई हो रहा है एंगल का, 7π/8 और π/8 का सम पाई, तो यानी लास्ट वाले को भी मैं sin π/8 लिख सकता हूं, इस वाले को मैं sin 2π/8 लिख सकता हूं, और इस वाले को sin 3π/8 लिख सकता हूं, यानी कि मेरे पास एक तरह से 2 sin π/8 sin 2π/8 sin 3π/8 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा बन गया सवाल। करो यार, मजा आएगा तुम्हें। अब क्या होगा भाई, ये 2π/8 तो अच्छा ही है, ये तो बड़ा प्यारा एंगल है, क्या है सर ये 1/√2 है, और 1/√2 का होल स्क्वायर करूंगा तो 1/2 बन के बाहर आ जाएगा, है ना भाई, ये 1/√2 है, स्क्वायर की वजह से 1/2 बन के बाहर आएगा, और इससे तो कट जाएगा। अब इसके बाद का स्टेप सोचो, पॉज करके सोचो, स्टेप मैं बता दूं तुम बस कर लो, उससे फायदा नहीं है, थोड़ा सोचो, दिमाग भी तो लगाओ। अब इसके बाद दो तरीके हैं, एक तो ये, एक थॉट प्रोसेस मैंने बताया था ना भाई, रास्ते होते हैं अलग अलग रास्ते। पहला रास्ता है साइन ए साइन बी जैसा दिख रहा है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 sin a sin b लगा के डी फैक्टराइज कर दूं, 2 sin a sin b,
कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, या फिर थोड़ा सा और समझदारी दिखाऊं तो ये दोनों भी अलाइड एंगल्स हैं, ये दोनों भी अलाइड एंगल हैं, 3 पाई बाय 8 और पाई बाय 8 का सम 4 पाई बाय 8, यानी कि 90 डिग्री सम हो रहा है बेटा, यानी इस साइन को कॉस लिख सकता हूं, याद आया कि नहीं आया, बहुत किया ऐसा क्लास में, तो इसको कॉस पाई बाय 8 लिख दिया। और अब भाई साहब 2 से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा ताकि 2 साइन थीटा कॉस थीटा, बट 2 से किया है मतलब 2 स्क्वायर से किया है, तो 2 स्क्वायर से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो 1 बाय 4 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 पाई बाय 8 और उसका होल स्क्वायर, तो 1 बाय 4 साइन पाई बाय 4 हो गया 1 बाय रूट 2 और उसका होल स्क्वायर, तो 1 बाय 8 हो गया आंसर, आंसर हो गया 1 बाय 8, डीफैक्टराइज करते उससे भी 1 बाय 8 ही आ जाता, 1 बाय 8 ही आ जाता बेटा, राइट। देख लीजिए हो गया, ये भी हो गया। चलो एक और जेई का, सीधे सीधे देख रहे हो थ्योरी पे, क्लास नोट्स जिन्होंने ढंग से फोकस किया हुआ है सारे सवाल उनके लिए इजी हैं, सारे इजी हैं। ये देखिए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3 कॉस थीटा प्लस 5 साइन थीटा माइनस पाई बाय 6 कर सकते हो। देखो तुम सोच रहे हो कि सर कुछ मॉड्यूल में थे वो तो मुझसे नहीं हो रहे थे, ये हो रहे हैं, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ मिक्स्ड होगा, ये भी हो सकता है। मैंने तुम्हें बताया था ना भाई, ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, वो हर चीज में मिक्स होती है, क्या पता कुछ ट्रिगो के वो क्वेश्चंस हो जिसमें और भी चैप्टर्स मिक्स हो रहे हो, तो वो अभी तुमसे नहीं होंगे, ठीक है, तो वो वाले मत करना अभी, अभी सिर्फ प्योर ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। तो 3 कॉस थीटा हो गया, इसमें लगा दो भाई साइन ए माइनस बी, साइन थीटा कॉस फाई माइनस कॉस थीटा साइन फाई, तो 3 कॉस थीटा रूट 3 बाई 2 साइन थीटा माइनस हाफ कॉस थीटा, तो 3 कॉस थीटा प्लस 5 रूट 3 बाई 2 साइन थीटा माइनस 5 बाई 2 कॉस थीटा, ये कॉस थीटा वाले इकट्ठे करेंगे, कॉस थीटा कॉमन, तो हाफ कॉस थीटा बच जाएगा, 3 माइनस ढाई, 3 में से ढाई गया ना, 5 बाई 2 मतलब ढाई, 3 में से ढाई गया आधा बचा, ऐसे लिख देता हूं मैं डायरेक्ट। और अब ये तो ए साइन ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा आ गया, सो मैक्स वैल्यू इसकी होती है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए की जगह हाफ, बी की जगह ये रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1 बाय 4 प्लस 75 बाय 4 का रूट, तो 76 बाय 4 का रूट 19 का रूट बच गया, तो रूट 19 हो गया आंसर, डी ऑप्शन। ये तो आई थिंक मुझे याद आ रहा है, मैंने तुम्हें क्लास में भी शायद ये क्वेश्चन करा दिया था, ऐसा मुझे याद आया आंसर देख के, रूट 19 हो सकता है कहीं और कराया हो। चलो एक और 2016 का ऑनलाइन, 2016 का ऑनलाइन क्वेश्चन देखते हैं, मजा आ रहा है ना भाई प्रॉब्लम सॉल्विंग में, देखो ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले जिन्हें लर्न है उन्हें बहुत मजा आ रहा होगा, जिन्हें नहीं है वो बेचारे फंसे हुए होंगे। ए प्लस बी इक्वल टू पाए, ए प्लस बी इक्वल टू पाए नहीं था भाई, कुछ और था यहां, तो पाए बाय 3 था क्या, मुझे तो ऐसा याद आ रहा है पाए बाय 3 था यार, ए प्लस बी इक्वल टू पाए बाय 3 था मुझे ऐसा लग रहा है, चलो करके देखते हैं, पाए बाय 3 करके देखते हैं, पाई बाय 3 करके देखते हैं, तो टेन ए प्लस बी इक्वल टू रूट 3 आ गया, तो टेन ए प्लस टेन बी, सर आप तो कह रहे थे आपने किया नहीं है, बेटा जिंदगी में पहले तो किया ही है ना, 2016 से इतनी बार पढ़ रखा है ये चैप्टर, कभी ना कभी तो शायद किया ही होगा, ये टेन ए प्लस टेन बी की मैक्स मिनिमम वैल्यू बतानी है, अच्छा समझ गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, टेन ए प्लस टेन बी इक्वल टू रूट 3 माइनस रूट 3 टेन ए टेन बी। अब देखो टेन ए प्लस टेन बी की मिनिमम वैल्यू बतानी है, और ए और बी क्या है, एक्यूट एंगल है, क्योंकि ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, ए प्लस बी का सम पाई बाय 3 है, तो ऑब्वियसली एक्यूट ही होंगे ना, सोच के देखो भाई दो एंगल पॉजिटिव है और दोनों पॉजिटिव का सम 60 डिग्री है, तो दोनों एक्यूट हो गए, यानी टेन ए एंड टेन बी आर पॉजिटिव, तो टेन ए टेन बी में क्या लगा दूंगा, ए एम जी एम इनइक्वालिटी लगा दूंगा, ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम लगा देता हूं, क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स में लगा सकता हूं, मिनिमम वैल्यू लानी है, वैसे भी प्लस दिख रहा है, तो टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 2 इज इक्वल टू रूट टेन ए टेन बी। और अब
tan a tan b की वैल्यू यहां से इस इक्वेशन से मिल जाएगी, देखो तो tan a tan plus tan b को अगर मैं x मान लेता हूं, तो tan a plus tan b को x मान लेता हूं, तो ये हो जाएगा x by 2 और यहां से हो जाएगा, ये भी x के टर्म में निकल आएगा ना बेसिकली, सो x इक्वल टू √3 - √3 tan a tan b, तो हमारे पास आ जाएगा tan a tan b की वैल्यू √3 - x/√3। tan a tan b जो यहां पे था, अच्छा ये इक्वल टू क्यों लगाया मैंने, ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, तो x by 2 ग्रेटर देन इक्वल टू √tan a tan b, रूट की जगह √3 - x/√3, tan a tan b की जगह ये वैल्यू मैंने उठा के डाल दी। अब एक इनइक्वालिटी बन गई है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, स्क्वायर रूट पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, x पॉजिटिव था क्योंकि x मैंने इसको माना है x, तो SBS कर सकता हूं क्योंकि पॉजिटिव है, आई थिंक एक वेवी कर्व लग जाएगा अब इसमें, √3 इधर, तो √3x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू √3 - 4x। लेफ्ट में ले आते हैं सब, ऊपर लिख देता हूं, चलो यहां लिख देते हैं √3x² - +4x - √3 > 0। तो √3 × √3 3 × 4 = 12, 12 के लिए हमें 4 लाना है, तो 6 और 2 है ना, तो √3x² ऊपर लिख रहा हूं +6x - 2x, स्प्लिटिंग द मिडिल कर दिया -4√3 > 0, इसमें से √3x कॉमन, इसमें से -2 कॉमन, तो √3x - 2 × x + 2√3 > 0। बस अब तो वेवी कर्व लगा लीजिए, एक फैक्टर हो गया -2√3, एक हो गया 2/√3, ±, और ग्रेटर देन जीरो का मतलब पॉजिटिव एरिया शेड, ये और ये शेड और सॉलिड डॉट, बट ये तो वैसे ही रिजेक्ट कर देता हूं, क्यों, क्योंकि x नेगेटिव तो था ही नहीं, x इज पॉजिटिव, tan a tan b दोनों पॉजिटिव थे, तो x भी पॉजिटिव आएगा, यानी ये वाला तो रिजेक्ट, यानी x की मिनिमम वैल्यू 2x > 2/√3 आ गया, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ x इज 2/√3, सी ऑप्शन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, AMGM इनइक्वालिटी का एप्लीकेशन हो गया कंपाउंड एंगल के साथ मिक्स, सही याद था भाई हमें, हाई ई का हो गया, बी आंसर कैसे दिया है चेक करें, क्या चेक कर लेता हूं यार, रुक जाओ डेटा एक बार ना, चलिए तो मैंने चेक कर लिया है, छोटी छोटी टाइपिंग मिस्टेक की वजह से बहुत यहां पे छोटी बातें हो गई। इधर देखो, सबसे पहले तो ऑब्वियसली ये tan a नहीं tan b है, यहां tan a plus tan b, खैर वो तो मैंने निकाला ही tan b मान के है, तो tan a plus tan b की मिनिमम वैल्यू हमने निकाली 2√3 आई है, कब आई है, जब a plus b पाई बाय 3 था, है ना, a plus b जब पाई बाय 3 था तो 2√3 अपना 2/√3 आंसर सही है, बट एक्चुअली जो जेई मेन में क्वेश्चन आया था ना, मैंने डेटा चेक कर लिया, वो पाई बाय 6 था, इस वाले में जो पाई बाय 3 आया था वो और 90s में पहले आया था सेम क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में, हाँ तो ये वाला पाई बाय 6 था, तो अब अगर तुम इसको पाई बाय 6 करके करोगे ना, पाई बाय 6 करके करोगे तो एक्चुअली कुछ भी नहीं है, 1/√3 होगा, इनफैक्ट कर सकते हो तुम बिल्कुल सेम तरीके से, ये √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बेसिकली थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और बिल्कुल सेम प्रोसेस एक्चुअली लग जाएगा, है ना, और जो इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी फिर वो तुम्हारी वो आंसर आ जाएगी जो दिया हुआ है यहां पे, ठीक है, इस वाले का आंसर ये नहीं होगा, तो आंसर जो है सी कब होगा, जब पाई बाय 3 था, पाई बाय 3 में ये बिल्कुल सही आंसर है, ये बिल्कुल सही आंसर है, बट जैसे ही आप पाई बाय 6 ले लेंगे तो जो आंसर है वो चेंज हो जाएगा, वो तुम्हारा बी बन जाएगा, तो तुम होमवर्क में इसको करके देख लेना, पूरा प्रोसेस लगा के इसको आप देख लीजिएगा, ऑब्वियसली ये सब चेंज हो जाएगा यहाँ पे, ये वाली यहाँ से चेंज हो जाएगी बातें, क्योंकि वो AMGM तो लगाएंगे ही, इतना तो सेम रहेगा, इसे x मानेंगे और इसको भी ये भी चेंज हो जाएगा फिर ऊपर पूरा, तो ये आप करके देखेंगे, बट अब इसका मैं अब आपको एक ऑब्जेक्टिव ट्रिक बता देता हूँ, देखो दोनों का ही ऑब्जेक्टिव ट्रिक, ये तो हो गया प्रॉपर तमीज़दार मेथड,
अब तुम्हें एक बात पता है, देखो मिनिमम वैल्यू जो भी आई थी, मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब इक्वालिटी आएगी, है ना। इक्वालिटी कब आएगी, जब यहां इक्वल टू आएगा। यहां इक्वल टू कब आता है, जब ए एम बराबर जी एम होता है। ध्यान से सुनना ऑब्जेक्टिव ट्रिक, ऑब्जेक्टिव ट्रिक, इसकी ऑब्जेक्टिव ट्रिक पूरा हटा देते हैं अब इसको, और इसको ऑब्जेक्टिव ट्रिक पाई बाय थ्री वाले को मैं ऑब्जेक्टिव ट्रिक से कर देता हूं, कुछ नहीं करूंगा, ये पूरा पेज नहीं भरूंगा, सिर्फ दो लाइन में देखो कैसे आंसर निकलेगा। हमें पता है कि भाई मिनिमम वैल्यू तब आएगी जब ए एम बराबर जी एम होगा, ये था पाई बाय थ्री, ए एम बराबर जी एम फॉर मिनिमम वैल्यू। ए एम और जी एम बराबर कब होंगे, जब नंबर्स इक्वल होते हैं, गिवन नंबर्स इक्वल होने चाहिए। नंबर्स कौन से, जिसमें ए एम जी एम लगा रहे हो वो नंबर्स इक्वल होने चाहिए। तो ए एम जी एम तुमने किस में लगाया है, टेन ए और टेन बी में लगाया है, तो तुम्हें बस टेन ए इक्वल टू टेन बी रखना है, टेन ए इक्वल टू टेन बी रखना है, यानी ए इक्वल टू बी हो गया, और ए इक्वल टू बी इक्वल टू पाई बाय सिक्स होगा। क्यों, क्योंकि ए प्लस बी तो पाई बाय थ्री था भाई, ए प्लस बी अगर पाई बाय थ्री है, अगर बी को ए के बराबर रख दूंगा तो टू ए बराबर पाई बाय थ्री, यानी a बराबर पाई बाय सिक्स, दोनों ही एंगल पाई बाय सिक्स होंगे, और अगर दोनों की वैल्यू यहां रख दूंगा तो टेन पाई बाय सिक्स प्लस टेन पाई बाय सिक्स, ये भी वन बाय रूट थ्री, वो भी वन बाय रूट थ्री, तो टू बाय रूट थ्री हमारा आंसर आ गया खट से करके दो लाइन में, है ना। मिनिमम वैल्यू निकाल ली हमने ऑब्जेक्टिव ट्रिक से। अब तुम सोच रहे होगे सर ये हमेशा लगेगी क्या, क्या इसमें लग जाएगी, देख लो लगा के, बिल्कुल लग जाएगी, ये आप होमवर्क में कंप्लीट कर लीजिएगा। अब मैं इसका ऑब्जेक्टिव ट्रिक बता रहा हूं, ऑब्जेक्टिव ट्रिक इसका भी बिल्कुल सेम, कि भाई मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब ए एम बराबर जी एम होगा, यानी ए और बी बराबर होंगे, ए और बी बराबर होंगे, बट ए प्लस बी तो पाई बाय सिक्स है, सो ए और बी बराबर पाई बाय ट्वेल्व हो जाएगा। ए और बी दोनों कितने हो गए, पाई बाय ट्वेल्व, मतलब 15 डिग्री हो गए, यानी कि इसकी वैल्यू हो गई टेन पंद्रह प्लस टेन पंद्रह, टू टाइम्स टेन पंद्रह हो गई मिनिमम वैल्यू, और टेन पंद्रह में पता है टू माइनस रूट थ्री होता है, तो टू इंटू टू माइनस रूट थ्री, बी ऑप्शन हमारा आ जाएगा। आया ना मजा, आया कि नहीं आया भाई मजा, देखो कैसे ऑब्जेक्टिव ट्रिक में दो लाइन में आंसर निकल गया। तो दोबारा सुन लीजिए, जिनको ऑब्जेक्टिव ट्रिक समझ नहीं आई, भाई हमें पता है अगर लॉन्ग मेथड से हम गए तो हमें एक बात समझ आई कि मिनिमम वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन, मतलब मिनिमम वैल्यू इक्वल टू का साइन होगा, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू टू बाय रूट थ्री है, तो एक्स की मिनिमम वैल्यू इक्वल टू टू बाय रूट थ्री है, सो मिनिमम वैल्यू अकर्स व्हेन ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह इक्वल टू का साइन हो, मतलब ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू है इसकी जगह इक्वल टू का साइन हो। अब तुम खुद ही सोचो ये साइन इक्वल टू का कम होता है, ये मैंने क्लास नोट्स में बताया था, ए एम और जी एम बराबर कब होते हैं, जब नंबर्स ही इक्वल होते हैं, ये दोनों नंबर्स इक्वल होने चाहिए। वैसे देखो सीक्वेंस सीरीज में आएगा दोबारा ए एम जी एम, बट फिर भी थ्योरी में बता दिया था तो हम इसको यूज कर रहे हैं। तो टेन ए बराबर टेन बी रखना है, सो ऑब्जेक्टिव ट्रिक का मतलब ए एम इक्वल टू जी एम फॉर मिनिमम वैल्यू, यानी गिवन नंबर्स आर इक्वल, यानी टेन ए बराबर टेन बी, यानी ए बराबर बी, और ए बराबर बी पाई बाय सिक्स आएगा, क्योंकि मैंने इस बार पाई बाय थ्री लिया था, दोनों पाई बाय सिक्स हो गए, बस यहां पर पाई बाय सिक्स और पाई बाय सिक्स डाल दिया इनकी जगह, टू बाय रूट थ्री निकलकर आ गया इस केस में। वही अगर पाई बाय सिक्स हो गया तो वो पाई बाय ट्वेल्व हो गए, इस तरह से आंसर हमारा आ गया। तो दोनों क्वेश्चंस करा दिए मैंने, एक बार पाई बाय थ्री लेके और एक बार पाई बाय सिक्स लेके, दोनों के लंबे मेथड भी बता दिए हैं, शॉर्टकट भी बता दिया है आपको, ठीक है, मजा आया कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा, अगले सवाल पर आएंगे। एक जेई का क्वेश्चन नहीं है बट बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लगता है मुझे ये, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट बड़ा प्यारा यूज होता है। देखो जरा क्या है क्वेश्चन, ये है थीटा है थ्री अल्फा और साइन थीटा ये दिया, साइन थीटा का मुझे दिख रहा है ट्राइंगल वाइंगल भी बनाया जा सकता है क्योंकि परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनस ये है, तो बेस इसका बी हो जाएगा साइन थीटा का, तो ट्राइंगल बन गया। वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन ए कॉस अल्फा माइनस बी सेक अल्फा, ध्यान से देखना, ए कॉस कोसेक मतलब ए बाय साइन अल्फा माइनस बी बाय कॉस अल्फा, ऐसा कुछ हो रहा है। अब जरा ध्यान से देखेंगे, सब ध्यान से देखेंगे, मैं क्या कर रहा हूं इस तरह की चीज में, देखो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा कहीं किया था हमने ट्रिगो में, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड क्यों करा, क्योंकि अब बेटा ए अपॉन दिस थिंग को तुम क्या लिख सकते हो, ए अपॉन दिस थिंग को तो तुम साइन थीटा लिख सकते हो, है ना, और बी अपॉन दिस थिंग को तुम कॉस थीटा लिख सकते हो, तो तुम्हारे पास क्या आ गया,
बहुत ही प्यारी चीज आ गई कि अगर आप इसको ध्यान से देखें, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाहर है, साइन थीटा अपॉन साइन अल्फा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस अल्फा आ गया है। तो एलसीएम आया साइन अल्फा कॉस अल्फा, ऊपर आ जाएगा साइन थीटा कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा साइन अल्फा, और बाहर है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। करेक्ट, न्यूमरेटर में कुछ अच्छा सा दिख गया, साइन थीटा कॉस अल्फा, तो साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा दिख गया, साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा दिख गया। नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा हो गया, ऊपर आ जाएगा 2 बीट और एक ये रूट वाला टर्म। आया मजा? क्या मजा आया कि नहीं? थीटा की वैल्यू बट इन्होंने 3 अल्फा दी है, तो थीटा को 3 अल्फा ऊपर डाल दो, तो मेरे पास 3 अल्फा माइनस अल्फा 2 साइन 2 अल्फा आ गया ऊपर 2, और ये रूट की टर्म भी थी, तो 2 रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 अल्फा माइनस अल्फा, सो साइन 2 अल्फा, और नीचे बेटा 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, फिर से साइन 2 अल्फा, साइन 2 अल्फा साइन 2 अल्फा कट गया, 2 रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच गया। तो हमारे पास इस चीज की वैल्यू 2 रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गई, बी ऑप्शन था ना। बढ़िया कॉन्सेप्ट, देखो कितने प्यार से कॉन्सेप्ट तुम पूछते हो ना, प्रूफ कहाँ यूज होते हैं सर? देखो प्रूफ का ही तो फंडा यूज हुआ, इसी तरह से मैंने रेंज प्रूफ किया था, ट्रिगो इक्वेशन 5 टाइप 5 भी वैसे ही सॉल्व करी थी, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करके। चलिए अच्छा क्वेश्चन एक निपट गया है, एक और करते हैं बढ़िया क्वेश्चन भाई, जहां बढ़िया क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि देखो ये अभी तुम्हें शायद टफ लग रहा होगा ये सब, बट ये सब बहुत आगे बहुत आएगा, जैसे ये भी क्वेश्चन सीक्वेंस सीरीज में इस तरह की चीजें बहुत आएंगी। जैसे ये सॉल्व कर रहा हूं बस अभी समझो कैसे सॉल्व कर रहा हूं, खुद से ये नहीं कर पाओगे अभी तुम, क्योंकि इसमें सीरीज का कॉन्सेप्ट लगेगा, बट अभी बता रहा हूं ताकि जब सीरीज करें तो तुम्हें थोड़ा बहुत 5% भी सुना हुआ सा लगे। ठीक है, ध्यान दीजिए क्या है, नीचे है साइन 45 साइन 46 साइन 47 साइन 48, बट सारे एंगल्स का डिफरेंस 1 है। ठीक है सर, सभी एंगल्स का डिफरेंस 1 है, तो हम क्या करते हैं साइन 1 डिग्री से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, हर एक में साइन 1 डिग्री से मल्टीप्लाई और डिवाइड, यही तो ट्रिक है जो सीक्वेंस सीरीज का पार्ट यूज हो रहा है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और लास्ट में जाके भी साइन 1 अपॉन साइन 133 साइन 134 लिख लिया, और अब क्या करेंगे, इस वाले साइन 1 को लिखेंगे 46 माइनस 45, 46 माइनस 45, क्योंकि नीचे इसके यही दोनों एंगल थे, और इस वाले साइन, अच्छा मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड कौन करेगा भाई, डिवाइड भी तो करना होगा, मल्टीप्लाई विद साइन 1 किया है तो डिवाइड भी साइन 1 से करना पड़ेगा। इस वाले साइन 1 को लिख लेंगे साइन 48 माइनस माइनस 47, लिख सकता हूं 1 डिग्री को, अगले में अब तुम समझ गए, अगले वाले में 49 माइनस 40 सॉरी 50 माइनस 49 करेंगे, है ना, यहाँ 46 45 48 47 यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा बेटा साइन ऑफ सही लिखा है, हाँ 45 46 47 48, करेक्ट। तो हमारे पास अब क्या क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा अगला वाला आ जाएगा साइन 50 माइनस 49 अपॉन साइन 50 साइन 49, और लास्ट वाला हो जाएगा साइन 134 माइनस 133 अपॉन साइन 134 133। अब एक को कर दो आगे सिंप्लीफाई, हर एक को मत करो, देखो इसको कर लेता हूं, इसको जैसे ही सिंप्लीफाई करोगे ऊपर साइन ए माइनस बी लगाओगे, ऊपर आएगा साइन 46 कॉस 45 माइनस कॉस 46 साइन 45, और नीचे है साइन 45 कॉस साइन 46। जैसे ही बेटा दोनों को अलग अलग करोगे, जैसे ही दोनों को अलग अलग करोगे, इसके नीचे साइन 46 कटेगा, एक साइन 46 कटेगा जब दिस अपॉन दिस करोगे, राइट, साइन 46 कटेगा, कॉस 45 अपॉन साइन 45 यानी कॉट 45 बचेगा, और माइनस इसमें साइन 45 कटेगा, कॉस 46 अपॉन साइन कॉट 46 बचेगा, कॉट 46 डिग्री बचेगा, कॉट 46 बचेगा। ऐसे ही बिल्कुल, अब तुम सिमिलरली, इसको करने की भी जरूरत नहीं है,
इसमें भी बिल्कुल ऐसे ही बचेगा, cot 47 माइनस cot 48 बच जाएगा, करेक्ट, cot 47 माइनस cot 48 बच जाएगा, इस वाले में बच जाएगा cot 49, क्योंकि देखो पहले छोटा वाला बन रहा है 45 माइनस 46, तो यहां भी 47 माइनस 48, 49 माइनस 50 एंड सो ऑन, लास्ट में जाके क्या बनेगा, cot 133 माइनस cot 134 बचा। अच्छा, और एक 1 अपॉन साइन 1 की टर्म तो है ही, 1 अपॉन साइन 1 की टर्म तो बेटा है ही, क्योंकि डिवाइड भी किया था ना, तो 1 अपॉन साइन 1 की टर्म भी है हमारे पास। अब देखिए आगे कुछ हुआ क्या, क्या कुछ काटा पीटी हो रही है, देखते हैं, देखते हैं भाई। 134 देखिए कुछ कट रहा है, अलाइड एंगल कुछ बन रहे हैं क्या, कुछ अलाइड एंगल बने क्या, 134 को लिखेंगे 180 माइनस cot 134, लास्ट वाला देख रहा हूं, cot 180 माइनस 46 है ना, 46 सही बोल रहा हूं ना, हाँ 170 180, करेक्ट, तो माइनस cot 46 हो गया, यानी cot 134 क्या है, माइनस cot 46 है, तो माइनस cot 46 या ऐसे सोच लो माइनस cot 134 हो जाएगा cot 46 है ना, यानी इस माइनस cot 134 की जगह क्या लिख सकता हूं, cot 46 लिख सकता हूं, और ये कट गए, ये और ये कट गए बेटा, ये और ये कट गए, आया ना मजा। और ऐसे ही अब आप देख सकते हो कौन कौन कट जाएगा, 133 का cot और 47 का cot कट जाएगा, सोच के देख लो, ये भी कट जाएंगे, कट जाएंगे ना, ये भी अलाइड एंगल हो रहे हैं, ये भी अलाइड एंगल हो रहे हैं, हाँ बिल्कुल हो रहे हैं, और ऐसे ही अब अगला 48 वाला इसके पिछले वाले के साथ कट जाएगा, तो ऐसे करते करते एक एक करके कट जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ cot 45 यहां पे बचेगा, देख लो, समझ रहे हो ना, सारे कट जाएंगे, देखो बीच में दिखा देता हूं तुम्हें, तो 1 अपॉन साइन 1 है, cot 45 बचा है ना, और तुम्हारा ये सब कट गए होंगे, तो सारे के सारे कट जाएंगे, सोचो, क्योंकि बीच में क्या आएगा, बीच में क्या आएगा, सोच के देख पा रहे हो, सोच पा रहे हो क्या आप भाई, बीच में आएगा cot 90 आएगा बस एक, है ना, cot 90 आएगा, जब 49, हाँ 1 अपॉन साइन 90 बिल्कुल सही है, तो वो cot 90 तो वैसे ही जीरो होता है, cot 90 जीरो, तो बीच में कोई टर्म नहीं बचेगी, सारी की सारी कट जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ ये बच जाएगा cot 45, तो cot 45 बचेगा, cot 45 बचेगा, इधर तो सब कट ही गया, cot 45 1 होता है, तो 1 अपॉन साइन 1 डिग्री यानी cosec 1 डिग्री हमारे पास बन जाएगा बेटा, cosec 1 डिग्री बी ऑप्शन हमारे पास बन जाएगा, देख लो बढ़िया क्वेश्चन है। तो इस वाले में अगर भाई किसी को ये लग रहा है कि सर बीच में टर्म्स का क्या होगा, तो एक बार बीच में भी देख लो, ऐसा कुछ है नहीं, वैसे तुम्हें दिख रहा है ये वाली इस तरह से टर्म चल रही है, तो एक जगह आएगा cot 89 माइनस cot 90 डिग्री है ना, फिर अगला वाला आएगा cot है ये, cos नहीं है, cot, अगला आएगा cot 91 माइनस cot 92 डिग्री, तो होगा क्या बेसिकली, इससे पहले भी एक टर्म होगा, जो भी होगा बीच में ऐसा कुछ हो रहा होगा, राइट। तो अब मैं कह रहा हूं कि देखो 80 cot 89 और cot 91 तो कट गया होगा लाइड एंगल से, वही जैसे ये सब कटे हैं, जिनका सम 180 है वो कट रहा है, और cot 90 तो जीरो होता है, तो बीच में एक्चुअली कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ये cot 45 का टर्म बचेगा, फर्स्ट वाला है ना, इसीलिए मैंने यहां पे cot 45 माइनस जीरो कर दिया है, ठीक है भाई, आई होप ये बात क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं, एक जेई का क्वेश्चन, ये अच्छा प्रॉब्लम है, इसमें थोड़ा सा लॉग मिक्स्ड है ट्रिग्नोमेट्री के साथ, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, हल्का सा ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन है, बट ज्यादा कुछ नहीं है, हल्की फुल्की सी ट्रिग्नोमेट्री में ही हम सॉल्व कर लेंगे। लॉग कॉट एक्स, तो साफ दिख रहा है कॉट को लिखते हैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स लिख देते हैं बेटा, और बेस में इसके कॉस एक्स ही है, फोर टाइम्स लॉग, बेस में साइन एक्स है, और टैन एक्स को लिख देते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। सर ऐसा क्यों किया है, लॉग की ताकि बेटा प्रॉपर्टी लग पाए, लॉग ए बाय बी जैसी चीज बना ली है, इसे लॉग ए माइनस लॉग बी लिखेंगे है ना, तो लॉग ऑफ कॉस एक्स माइनस लॉग ऑफ साइन एक्स, लॉग कॉस एक्स
माइनस लॉग साइन एक्स हो जाएगा। और मजे की बात यह है क्योंकि बेस में भी कॉस एक्स है तो लॉग कॉस एक्स बेस कॉस एक्स, तो ये तो तुम्हारा वन ही बन जाएगा, ये पहला टर्म तुम्हारा वन ही बन जाएगा। दूसरा टर्म रहेगा लॉग साइन एक्स बेस कॉस एक्स, ऐसे ही यहां पे सोच के देखो, और बाहर है लॉग साइन एक्स बेस साइन एक्स वन माइनस लॉग कॉस एक्स बेस साइन एक्स, करेक्ट। इस प्रकार का कुछ बन गया है, वन से वन तो काट भी दो, वन से वन तो काट भी दो भाई। तो अब हमारे पास आ जाएगा माइनस वाली टर्म राइट में ले जाओ, लॉग साइन एक्स बेस कॉस एक्स प्लस फोर लॉग कॉस एक्स बेस साइन एक्स इक्वल टू फोर, राइट, इक्वल टू फोर, इस प्रकार का बन जाएगा। बस अब तो आई थिंक हो गया है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें इस चीज को अगर तुम टी मान लोगे है ना, तो ये वाला तुम्हारा वन बाई टी हो जाएगा। लॉग की प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो एक टी तो दूसरा वन बाई टी, याद करो, क्योंकि नंबर और बेस इंटरचेंज हो रहे हैं, या नंबर साइन बेस कॉस या नंबर कॉस बेस साइन। तो टी प्लस फोर बाई टी बराबर फोर, टी स्क्वायर माइनस फोर टी प्लस फोर बराबर जीरो, बहुत ही अच्छी क्वाड्रेटिक, टी माइनस टू का होल स्क्वायर बराबर जीरो। तो टी की वैल्यू तो टू आ गई भाई, टी की वैल्यू तो टू आ गई, बस अब कर लो, अब तो हो जाएगा बेटा, पॉज करके करो, कंप्लीट करो सब लोग। t की वैल्यू आई है हमारे पास 2, और t की जगह हम डाल देंगे log of साइन x बेस cos x, इसको हमने t माना था तो ये चीज 2 हो गई है ना, log साइन x बेस cos x हमारा बेटा 2 हो गया है। बस अब तो log हटा दीजिए, तो साइन x हो गया नंबर इज इक्वल टू बेस की पावर आर एच एस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन x इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स हो चुका है। हमें निकालना है साइन इनवर्स में लिखना है तो साइन निकालना है, बेसिकली साइन एक्स इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो लेफ्ट में ले आइए साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। साइन एक्स को कुछ जेड मान लीजिए, क्योंकि साइन एक्स में एक क्वाड्रेटिक बनती हुई नजर आ गई है बेटा, है ना, तो जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस वन इक्वल टू जीरो। यहां पे जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी रूट फाइव बाय टू, जेड नेगेटिव वाला लूंगा नहीं, साइन एक्स नेगेटिव वाला नहीं लूंगा, क्यों, क्योंकि साइन एक्स तो नंबर और बेस में था, साइन एक्स तो बेस में था, पॉजिटिव वाला ही ले लूंगा, यानी साइन एक्स की वैल्यू, साइन एक्स की वैल्यू माइनस वन प्लस रूट फाइव बाय टू हो गई, यानी एक्स की वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ, साइन इनवर्स ऑफ, ठीक है जी, तो एक्स आ गया साइन इनवर्स ऑफ रूट फाइव माइनस वन बाय टू। कंपेयर करिए इसके साथ, कंपेयर करिए भाई इसके साथ, तो अल्फा की वैल्यू तो माइनस वन हो गई, अल्फा तो माइनस वन हो गया, बीटा फाइव हो गया, बीटा फाइव हो गया, हमें अल्फा प्लस बीटा निकालना है तो फोर हो गया भाई आंसर, आंसर जो है फोर होना चाहिए, मजा आ गया भाई, आंसर फोर आ गया, देख रहे हो बढ़िया क्वेश्चन जेई मेन 2023 का, बहुत आसानी से निपटा सकते हो बेटा अब तुम ये क्वेश्चंस, अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट सारे इंडिविजुअली स्ट्रांग हो गए हैं, बेसिक मैथ और मिक्सचर है ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन और कुछ भी नहीं है इसमें, अगर तुमने इंडिविजुअली एक एक कॉन्सेप्ट ढंग से पढ़ा है जो क्लास में भी मैंने तुम्हें कराए हैं, तो भी बेटा तुम ये चीजें बहुत आराम से निकाल सकते हो। ऑब्वियसली कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, और कैलकुलेशन मिस्टेक का बस एक ही तरीका है भाई, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जितने डीबीपी जितने पीवाईक्यू जितने सवाल प्रैक्टिस करोगे उतना कैलकुलेशन में तुम इंप्रूव होगे, ठीक है। कैलकुलेशन में गलती हो गई सर, टू की जगह माइनस वन लिख दिया, माइनस वन की जगह फाइव, ये सब चीजें होती हैं, सबके साथ होती हैं, अगर आपके साथ भी हो रही है तो कोई गलत नहीं हो रहा है, उसका तरीका सॉल्यूशन क्या है, उसका सॉल्यूशन एक ही है कि भाई उसको खत्म करने का तरीका एक ही है कि आप खूब सारे क्वेश्चंस करें, जितने क्वेश्चन करें उन्हें एक तो कंप्लीट करें, ये नहीं आधे आधे छोड़ दिए, यहां तक कर दिया अरे अब तो हो ही जाएगा, वो मत करना, जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो पूरा पूरा आंसर निकाल के मैच करो, तो आपकी सिली मिस्टेक्स की कम हो जाएंगी। चलिए एक और लेते हैं 2022 का जेई मेन का, देखो मैं 2022-23 के ज़्यादातर करवा रहा हूँ क्योंकि इसी में ज़्यादा मुश्किल पेपर्स आए थे, बाकी सब तो क्वेश्चंस उतने ज़्यादा टफ है नहीं जेई के, सर मेंस के ही कर रहे हैं, मैंने तुम्हें बताया था समरी वाले लेक्चर में मेंस के ही करेंगे, और एडवांस वाले क्वेश्चंस एडवांस का जो मैं आपको सेशन रिकॉर्डेड दूंगा उसमें भी हम कर लेंगे। चलिए अल्फा दिया है साइन 36, अब इसको देख के मेरे माइंड में आया सर साइन 36 तो वैल्यू लर्न करने को आपने मना किया था, आपने बोला था साइन 18 लर्न करना, और कॉस 36 तो इसकी वैल्यू बहुत अच्छी तो नहीं है, ठीक है माइंड में ये चल रहा है, और बोल रहे हैं ये किसका रूट है, और जो मैं इक्वेशंस देख रहा हूं वो बाय क्वाड्रेटिक दिख रही हैं, बाय क्वाड्रेटिक मतलब एक्स फोर और एक्स स्क्वायर की टर्म है, मतलब एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है, इसको हम बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर को टी मान के क्वाड्रेटिक, यानी एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक की तरह मुझे ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, तो मुझे साफ समझ आ रहा है भाई अल्फा का तो पहले स्क्वायर कर लेना चाहिए, क्योंकि अल्फा अगर साइन 36 है
तो मुझे पता लगाना है अल्फा किसका रूट है, तो यहां तो अल्फा स्क्वायर की टर्म्स बन रही है ना, तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर 36। अब साइन स्क्वायर थीटा को डबल एंगल में ले जाने का तुम्हें तरीका पता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, राइट। सो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 कर देता हूं इसे, 1 माइनस कॉस 36 का डबल 72 बाय 2, कॉस 72 तो साइन 18 ही होता है, साइन 18 की वैल्यू बड़ी प्यारी है रूट 5 माइनस 1 बाय 4, याद करिए साइन 18 की स्टैंडर्ड वैल्यू होती है रूट 5 माइनस 1 बाय 4। और बेटा अब इसको कैलकुलेट कर दो, 5 माइनस रूट 5 बाय 8 आ गया अल्फा स्क्वायर का वैल्यू, ठीक है। अब सर क्या मैं अल्फा स्क्वायर इसमें पुट करके देखूंगा? नहीं, ये नहीं करेंगे हम, अल्फा स्क्वायर इसमें पुट करके नहीं देखेंगे हम, इससे ज्यादा आसान तरीका निकालते हैं। हम एक काम करते हैं, बेसिकली मुझे दिख रहा है ऑप्शन में इरेशनल टर्म नहीं है, है ना, हमारी यहाँ रूट फाइव की टर्म आ रही है, हम डायरेक्ट इक्वेशन बना देंगे। देखो कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 8 अल्फा स्क्वायर 5 माइनस रूट 5, और अब मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड तो देखो करना ही है क्योंकि अल्फा की पावर 4 तक पहुंचना है, बट मैं इस दिमाग में ये आ रहा है कि 5 को लेफ्ट में ले जाके फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करूंगा। सर ऐसा क्यों करोगे? ताकि रूट की टर्म भी हट जाए, ऑप्शंस में कहीं रूट है नहीं। सो 8 अल्फा स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस रूट 5 का स्क्वायर होता है 5, तो 64 अल्फा की पावर 4 प्लस 25 माइनस 8 5 जा 42 जा 80 अल्फा स्क्वायर बराबर 5, 5 से 5 कट गया, सो 64 अल्फा की पावर 4 प्लस 20 माइनस 80 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 0। इन सब में से भी आप देख सकते हो 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन, 16 अल्फा की पावर 4 प्लस 5 माइनस 16 अल्फा स्क्वायर, और जो 4 आया वो तो 0 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो इक्वेशन हमारी डायरेक्टली फॉर्म हो गई। अल्फा स्क्वायर की जगह अब x डाल देता हूं, तो 16 एक्स की, या अल्फा की जगह x डाल देता हूं, सॉरी, तो 16 एक्स की पावर 4 माइनस, एक मिनट मैंने यहां गलत लिख दिया ना, हाँ यहां 4 काटा था ना, 5 थोड़ी काटा है, तो 4 कटेगा तो यहां पे आएगा 20, तो हमारे पास आ गया 16 एक्स की पावर 4 माइनस 20 एक्स स्क्वायर प्लस 5 बराबर 0। देख लो भाई ऑप्शन, 16 माइनस 20 और 5, 16 माइनस 20 और 5, 16 माइनस 20 और 5 कोफिशियंट्स बन गए हैं, ठीक है। तो बढ़िया क्वेश्चन था, थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री, थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन क्वाड्रेटिक का लगते हुए क्वेश्चन हो गया सॉल्व। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यही था कि साइन 36 की सर मैंने वैल्यू डाल दी, उसकी पावर 4 करूं वो बड़ा लेंदी हो जाएगा। मैंने क्या किया, मैंने यहां से देख लिया कि भाई अल्फा स्क्वायर की टर्म्स बन रही हैं, एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है, तो पहले अल्फा स्क्वायर क्रिएट किया डबल एंगल्स में ले जाके। ये बढ़िया ट्रिक थी। यहां पे और भी तरीके हो सकते हैं देखो करने के, मैं ये नहीं कह रहा यही एक तरीका है, मेरे माइंड में भाई ये आया, मेरे को नहीं पता बाकी लोग कैसे करेंगे इसे, बट थॉट प्रोसेस, अपना अपना थॉट प्रोसेस होता है सोचने का तरीका। मेरा सोचने का तरीका मैंने तुम्हें सारी चीजें बता दी, लिंक कर दी कि भाई कैसे मैंने स्क्वायरिंग अल्फा को स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि मुझे ऑप्शंस में स्क्वायर दिखे, यहां मुझे स्क्वायर नहीं दिखते तो मैं ऐसी अप्रोच नहीं लेता। स्क्वायर करते ही मुझे पता है साइन स्क्वायर थीटा को डबल एंगल में ले जाऊंगा तो कॉस 72 बढ़िया वैल्यू बन जाएगी, इसलिए मैंने डबल एंगल में चेंज कर दिया और वो वैल्यू रख दी। फिर मैंने देखा यार यहां तो रूट 5 बन रहा है, यहां तो कहीं रूट 5 है नहीं, तो एक काम करते हैं होल स्क्वायर कर देते हैं, रूट 5 हट जाए, अपने आप इक्वेशन आ गई। ये होता है बेटा थॉट प्रोसेस, इसको बोलते हैं हम सोच डेवलप होना। अगर आप एक क्वेश्चन में देख के ये सोच पा रहे हैं, आंसर भले ही अभी नहीं आया, ये तीन चार चीजें सोची मैंने, इसमें से तुम एक सोच पाए, दो सोच पाए, तब भी तुम सही जा रहे हो। धीरे धीरे तुम्हें इसी तरह से सोच डेवलप करनी है। सिर्फ क्वेश्चंस खूब सारे सवाल करने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करे जा रहे हो नहीं रहे, बस देखे जा रहे हो सोल्यूशन हो नहीं रहे देखे जा रहे हो, इससे कुछ नहीं होगा। तुम्हें थॉट प्रोसेस बनाना पड़ेगा, अपना सोचने का तरीका बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन में क्यों नहीं हो रहा, क्वेश्चन में तो उसने क्या सोचा, तुमने वो क्यों नहीं सोचा, ये सब चीजें तुम्हें करनी होंगी, तब जाके जेई लेवल की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपकी डेवलप होंगी, राइट। चलिए एक और देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन, 2022 का जून का क्वेश्चन है, अच्छा प्रॉब्लम है। साइन स्क्वायर 10, साइन 20, साइन 40, साइन 50, साइन 70, एक चीज और इसको अल्फा माइनस 1 बाय 16 साइन 10 ऐसे लिखना है, अल्फा निकालना, ठीक है समझ गया। तो एक चीज तो दिल गार्डन गार्डन हो गया भाई, साइन स्क्वायर 10, एक साइन 10, साइन 50 और साइन 70 तो क्लब करने का मन कर रहा है, क्यों सर? अब देखो वही बात, जिसको दिमाग में आ रहा है क्यों, उसका थॉट प्रोसेस है ही नहीं, उसका बनेगा ही नहीं क्योंकि उसे फॉर्मुला ही नहीं चमका अभी तक, वो कैसे सोचेगा क्वेश्चन कैसे करना है। तो साइन 10, साइन 60 माइनस 10, साइन 60 प्लस 10 लगाना चाह रहा हूं, इसलिए एक साइन 20 अलग कर लिया, साइन 40 भी अलग कर लिया, और एक स्क्वायर में से एक साइन 10 इधर लिख दिया, साइन 10 साइन 50
साइन 70, इन तीनों में हमने लगा दिया फॉर्मूला, 1/4 साइन 3 थीटा, ट्रिपल ऑफ 10 साइन 30, हाफ यानी 1/8 हो गया। तो सीधे इसकी वैल्यू तुम्हें ऑब्जेक्टिव में 1/8 लिखनी है। तो 1/8 साइन 10, साइन 20, साइन 40, ये मेरे पास अभी तक इसको सिंप्लीफाई करके बचा है। फिर मेरा थॉट प्रोसेस आया, मैं अटक गया, मेरे को समझ नहीं आ रहा अगला स्टेप क्या करूं। तो मैंने देखा यार आरएचएस में क्या लाना है, यहां तो सर साइन 10 डिग्री लाना है। अच्छा, यानी साइन 10 को तो छेड़ते नहीं यार, साइन 10 रखना है, काहे को उसे चेंज करें, है ना। यानी इन दोनों में कुछ फॉर्मूला लगाऊं, साइन 20 साइन 40 में कौन सा लगेगा, खुद ही सोच के देखो, दो साइन मल्टीप्लाइड है बेटा। तो ऑब्वियसली आपका जो थॉट प्रोसेस कहता है कि सर एक टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो, 1/16 साइन 10 और इसमें 2 साइन ए साइन बी लगा दीजिए, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है, कॉस 60 भी बन गया, हाफ होता है जो, तो 1/16 बाहर, साइन 10 कॉस 20 माइनस 1/2, ठीक है जी। चलिए इसका भी एलसीएम ले लेता हूं और साइन 10 को अंदर ले जाता हूं, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहां बाद वाली माइनस के बाद वाले में साइन 10 है तो अंदर ले जाना चाहिए, ये बात समझ आ रही है। तो साइन 10 अभी चलो रख लो, 2 कॉस 20 माइनस 1 होल बाय 2, और अब इस साइन 10 को अंदर ले जाइए तो हमारे पास आ जाएगा 1/32, है ना, 2 साइन 10 कॉस 20 माइनस साइन 10। देख लीजिए क्या यहां तक मैंने सही लिखा है, कुछ भी नहीं करा, बस ब्रैकेट खोल दिया है। और अब फिर से मैं इसको तो छेड़ूंगा नहीं, इसमें फिर 2 साइन ए कॉस बी लगा देता हूं, तो 1/32 2 साइन ए कॉस बी होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो साइन में माइनस 10 आ जाएगा, 10 माइनस 20 होता है माइनस 10, और माइनस साइन 10 ये है ही, मजा ही आ गया सर। ये तो होता है हाफ, और ये दो बार साइन 10 आ गया है, दो बार साइन 10 आ गया है। 1/32 अंदर ले जाइए, तो 1/32 माइनस 2/32 हो गया 1/16, और मैं इसी फॉर्म आरएचएस में इसको लेकर आ गया हूं। और मुझे अब दिख गया है कि भाई जो अल्फा है वो 1/32 हो जाना चाहिए, अल्फा इज 1/32, तो अल्फा की पावर माइनस 1/32 बन गया, जो कि मुझे यहां डालना है 32 + 16, तो 32 + 16 48 बन गया है मेरा आंसर, 48। एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड, ओह गड़बड़ मुझे मिल गई है, बहुत जल्दबाजी कर दी सर आपने, ज़्यादा जोश में आ गए आंसर लाते हुए। 1/2 था ना भाई, साइन 30 तो 1/2 था, ये क्या कर दिया मैंने, है ना, तो ये 1/64 हो जाएगा, 1/64 हो जाएगा, तो अल्फा 1/64 हो गया, यानी कि अल्फा की पावर माइनस 1/64 हो गया। सो 64 + 16 अब हमारा आंसर बिल्कुल सही है, 80 आ गया। छोटी मोटी देखो वो सिली मिस्टेक जो मैं अभी बात कर रहा था, सिली मिस्टेक देखो मुझसे भी हो सकती है, तुमसे भी हो सकती है, बस ये है कि उसको आप रिड्यूस कर सकते हो थोड़ा प्रैक्टिस कर करके। हो सकता है मुझ में 10 में से मुझे 2 में होती हो, तुम्हारे 10 में से 6 में होती हो, तो वो 10 में से 2 में तब पहुंचोगे जब खूब सारी प्रैक्टिस कर लोगे, और थोड़ा माइंडफुल होके करना, ये नहीं जैसे मैंने अभी सही बताऊं तो कैजुअली कर दिया था, जल्दी जल्दी अरे आंसर आएगा, वो नहीं करना है। एग्जाम में भी आपको बहुत फोकस होके क्वेश्चन करना है, क्योंकि आपने जो चैप्टर पूरा एक महीना पढ़ा है वहां पे आपको 10 मिनट के अंदर 5 मिनट के अंदर उसे निपटाना है, तो फुल फोकस के अंदर अपने को वो करना है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज होती है। कई बच्चों को मैंने देखा है लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, आधे कॉन्सेंट्रेशन के साथ सवाल कर रहे हैं, फिसली मिस्टेक्स हो रही हैं, फुल कॉन्सेंट्रेशन 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ आपको क्वेश्चन को अटैक करना है। चलिए एक और देखते हैं, बहुत बढ़िया, ये देखो 2022 में सारे मुश्किल क्वेश्चन आए थे, अगर तुमसे नहीं भी हो रहे ना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये सब टफ क्वेश्चन हैं। हाँ, ईजी वाले मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा दिए नहीं है आज के सेशन में, मैंने तुम्हें मोस्टली टफ वाले ही PYQs दिए हैं, मेन्स के हैं, बट एडवांस्ड में भी इसी तरह की चीज़ें आती हैं, जैसा कि हमने क्लास में भी एक दो क्वेश्चन देखे थे एडवांस्ड के। चलिए तो अब ये देखते हैं, 2 sin π/22 sin 3π/22, पहली थॉट तो आई कि सर साइन थीटा साइन 60 माइनस साइन 60 प्लस तो बन नहीं रहा, नहीं बन रहा सर। दूसरी थॉट आई सर 2 साइन ए साइन भी लगाऊं, डिफैक्टराइज 5-5 टर्म को, नहीं सर डिफैक्टराइज करने का तो मन नहीं कर रहा। प्रोडक्ट में सीरीज है तो अगर कॉस होते तो बड़ा अच्छा हो जाता, याद करो, क्योंकि कॉस और डबल एंगल हो जाए, वही वाली सीरीज मेरे माइंड में चल रही है, कौन सी वाली, कॉस ऑफ डबल एंगल्स वाली, क्या पता उसमें कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि मैंने अभी तीन चीजें सोच ली। पहली चीज सोची कि भाई 60 माइनस 60 प्लस नहीं बन रहा, उसको
मैंने रिजेक्ट कर दिया, वो नहीं लगाऊंगा। दूसरा मैंने देखा कि यार टू साइन ए साइन भी दो तीन टर्म होती, मैक्सिमम तीन टर्म होती तब तो लगा भी लेता, पांच में कब तक लगाता रहूंगा, डिफैक्टराइज है ना टू साइन ए साइन भी, वो भी नहीं लगा रहा। प्लस कुछ एंगल्स का सम भी अच्छा नहीं दिख रहा, टू साइन ए साइन भी में कॉस ए माइनस भी माइनस कॉस ए प्लस भी आता है, तो ना ए माइनस भी किसी का अच्छा हो रहा है ना ए प्लस भी किसी का अच्छा हो रहा है, तो वो भी लगाने का सेंस नहीं है। तीसरी चीज मेरे माइंड में आ रही है, क्यों ना सब साइन को कॉस में ले जाऊं और देखूं डबल डबल एंगल बन रहे हैं क्या, कौन सा फॉर्मूला लगाने का थॉट चल रहा है दिमाग में, ये वाला आज लगाया भी था, ये वाला कॉस ए कॉस टू ए कॉस फोर ए, मतलब अगर एंगल्स कॉस के होते और डबल डबल हो रहे होते तो सर साइन है कॉस कैसे बनाओगे भाई, 90 के साथ अलाइड यूज करो ना, 90 कितना होता है भाई, 90 पाई बाई 2 होता है और इसके रिस्पेक्ट में 11 पाई बाई 22 होगा, तो 11 पाई बाई 22 इज नथिंग बट 90 डिग्री है ना। तो मैंने देखा यार ये 9 पाई बाई 22 है, तो 9 और 2 11, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस 2 पाई बाई 22, सही बोल रहा हूँ ना, देख लो 9 और 2 11 हो गए, 90 के साथ अलाइड हो गया। सिमिलरली इसको क्या लिख सकता हूँ, 7 4 11 होता है, तो कॉस 4 पाई बाय, मजा सा तो आया भाई, मज़ा सा आया थोड़ा, 2 का डबल 4 तो बना, डबल डबल एंगल तो बन रहे हैं, कुछ तो मज़ा सा आ रहा है। इसको क्या करेंगे, 6 5 11, तो कॉस 6 पाई बाई 22, देखते हैं ये डबल नहीं हुआ, इसको देखते हैं, इसको देखते हैं क्या हो जाएगा, कॉस 3 है ना 8, 8 पाई बाई 22, 8 3 11, तो इस 4 का डबल फिर आ गया, वेरी गुड। साइन पाई बाई 22 को लिख लेता हूँ कॉस 10 पाई बाय 22, मजा सा तो आया, थोड़ा सा तो मजा आया भाई, थोड़ा सा तो मजा आया, बहुत ज्यादा नहीं बट थोड़ा सा तो आया, ठीक है। और एक तो इवन नंबर काट भी देता हूं, तो एक्चुअली मेरी जो सीरीज बन जाएगी, अब क्वेश्चन जो बन जाएगा, 2 तो बाहर था ही, अब मैं दोबारा क्वेश्चन लिख रहा हूं, 2 कॉस पहली टर्म ये थी, ये वाली टर्म बेटा ये थी, तो इसमें 2 काट देता हूं, 5 पाई बाय 11, ठीक है सर, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा, इसमें से काटूंगा तो कॉस 4 पाई बाय 11, कॉस 3 पाई बाय 11, कॉस 2 पाई बाय 11, कॉस पाई बाय 11, अब तो कुछ अच्छा सा लग रहा है यार, अच्छा सा लग रहा है, सारे के सारे आ गए, पाई बाय 11, 2 पाई बाय 11, 3 पाई बाय 4, पाई बाय 5, पाई बाय 11। अब मैंने सोचा कि यार ये तो इसका डबल हो रहा है, ये तीन भाई तो बिल्कुल परफेक्ट है हमारे लिए, है ना, क्योंकि पाई बाय 11 डबल, 2 पाई बाय 4, पाई बाय 11, ये तो तीनों को अलग ही कर लेता हूं, तो 2 कॉस पाई बाय 11 कॉस 2 पाई बाय 11 कॉस 4 पाई बाय 11 को अलग किया, और कॉस 5 पाई बाय 11 को मैंने सोचा, और कॉस 3 पाई बाय 11 इनको पाई माइनस करके लिखता हूं, है ना भाई, 180 के साथ अलाइड यूज कर रहा हूं, तो 3 8 3 11, तो कॉस 3 पाई बाय 11 को लिख लेता हूं माइनस कॉस 8 पाई बाय 11, 8 3 11 होता है ना, कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, तो इस वाले में भी एक माइनस आएगा, इसमें भी एक माइनस आएगा, दोनों के माइनस कट जाएंगे, इसको लिख लिया कॉस 8 पाई बाय 11, और इसको क्या लिखूंगा जल्दी पॉज करके सोचो, 6 पाई बाय 11 कॉस 6 पाई बाय 11, थोड़ा तो बढ़िया बना, ये डबल ये डबल ये डबल ये डबल वो रह गया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अभी उसका भी करते हैं इंतजाम। कॉस 2 पाई माइनस थीटा, तुम्हें पता है कॉस थीटा होता है, कॉस 2 पाई माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, तो 2 पाई की मदद लेता हूं इसको बड़ा बनाने के लिए भाई, 2 पाई का मतलब 22, तो कॉस 6 पाई बाय 11 को क्या लिख लूंगा, 2 पाई का मतलब 22 पाई बाय 11, 22 माइनस कर दो 6 में से 22 गया कितना होता है, 6 में से 22 गया कितना होता है, तो 16, मजा आ गया 16 बन गया भाई, 16 बन गया, 16 पाई बाय 11 और cos 6 pi by 11 बराबर है, और cos 6 pi by 11 की जगह अब ये डाल देता हूँ, डबल और बन गया, सब कुछ डबल डबल हो गए एंगल, अब दिखाई दे रहा है यार अपना वही वाला फॉर्मूला बन गया है, तो 2 cos pi by 11 cos 2 pi by 11 cos 4 pi by 11 cos 8 pi by 11 cos 16 pi by 11 बन गया है अपना फॉर्मूला। अब हम बिल्कुल रेडी हैं लगाने को, 2 की पावर sin 2 की पावर n a अपॉन 2 की पावर n साइन a, व्हाट इज a, फर्स्ट एंगल, और एक 2 भी बाहर ही ऑलरेडी है, ठीक है, तो 2 इंटू साइन 2 की पावर n, 1 2 3 4 5 2 की पावर 5 pi by 11 अपॉन 2 की पावर 5 साइन pi by 11, देख लो भाई 2 अपॉन 32, तो ये बन गया साइन 32 pi by 11 अपॉन साइन pi by 11, आई थिंक इन दोनों का सम 3 पाई आ रहा है, 32 प्लस पाई 33 पाई,
थ्री पाए, तो साइन थ्री पाए माइनस थीटा और साइन थीटा तो सेम होते हैं, ये दोनों कट गए, तो 2/32 यानी 1/16 बी ऑप्शन मेरा आंसर बन गया है। देख लेते हैं भाई, देख लेते हैं, बी आंसर आ गया, मजा ही आ गया। तो अच्छा क्वेश्चन था, फिर से इसमें आपने देखा होगा कि मैंने किस तरह से सोचा क्वेश्चन को, वो थॉट प्रोसेस सीखना ही तो जरूरी है बेटा। सॉल्यूशन तो तुम्हें हजारों मिल जाएंगे इंटरनेट पे लिखे हुए, बट वो सोचा कैसे उन्होंने वो सीखना है आपको इन प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस में से, राइट, कि किस तरह से हम क्वेश्चन को जब देखते हैं तो मेरे माइंड में क्या चलता है उस समय। वो अगर आप सीख गए तो कोई भी नया क्वेश्चन आ जाए आप उसको फोड़ लेंगे, आप उसको कर लेंगे बेटा। चलिए, तो ट्रिग्नोमेट्री में काफी प्रैक्टिस करा दी है मैंने, बाकी चलो एक तरह के क्वेश्चन ये देख लेते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस वाले। ऑल दो तुमने टेंथ में खूब किया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री का हाइट एंड डिस्टेंस, बट चलो एक दो करा देता हूँ, कई बार जेई में ऐसे आ जाते हैं इसलिए आपको ये आने चाहिए। देख लीजिए पहला क्वेश्चन, फ्रॉम द टॉप ए ऑफ अ वर्टिकल वॉल ए बी ऑफ हाइट 30, एक वॉल है ए बी, ये वॉल है ए बी, टॉप है इसका ए, ये जमीन मान लेते हैं भाई, ये जमीन मान लेते हैं, ठीक है, ए और बी बोला ये जा रहा है, हाइट इसकी 30 है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप पी एंड बॉटम क्यू ऑफ अ वर्टिकल टावर, एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब यहां से नीचे की तरफ देखना पड़ रहा है, डिप्रेशन मतलब नीचे की तरफ है ना, तो यानी ये छोटा है बेसिकली, ये जो है दूसरा वाला जो टावर है पी क्यू वो छोटा है थोड़ा सा, क्योंकि दोनों में उसने लिखा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप पी एंड बॉटम क्यू, तो यहां से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन आ रहे हैं इसके और इसके वो बताए गए हैं दोस्त, क्या बताए गए हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप पी एंड बॉटम क्यू, तो टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि ये वाला एंगल 15 डिग्री है और बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री है, तो ये वाला 60 है। देखो मेन काम इसमें फिगर बनाना होता है, तुमने टेंथ में भी इस टाइप की चीजें करी हैं, अगर नहीं करी तो कर लेना भाई प्रैक्टिस, टेंथ में ऐसी पूरी एक्सरसाइज होती थी, वो जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्री में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कहते थे किसी बोर्ड में उसे, किसी में उसे हाइट एंड डिस्टेंस कहते थे, ठीक है। बी एंड क्यू आर ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल, वो तो हमने पहले ही मान लिया, ठीक है। इफ सी इज अ पॉइंट ऑन ए बी सच दैट सी बी इक्वल टू पी क्यू, सी इज अ पॉइंट ऑन, अच्छा ये वाला पॉइंट सी ही कह रहे हैं, ये वाला पॉइंट सी कह रहे हैं क्योंकि पी क्यू बराबर सी बी है, वेरी गुड। देन द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी सी पी क्यू, बी सी पी क्यू, अच्छा इस रेक्टेंगल का ही बस एरिया निकालना है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, मतलब इससे आसान सवाल क्या मिलेगा जेई में, तुम्हें ये बताओ, जल्दी से इसको बेटा निपटाइए। ये हाइट हमें दी हुई थी 30, इस हाइट 30 की वजह से क्या हम बेस निकाल सकते हैं, बिल्कुल सर, इन ट्राइंगल ए क्यू बी, इन ट्राइंगल ए बी क्यू टैन 60 इक्वल टू 30 अपॉन बी क्यू, ठीक है जी, सो बी क्यू आ जाएगा 30 अपॉन रूट 3, यानी कि 10 रूट 3 आ गया बी क्यू, बी क्यू आ गया बेटा 10 रूट 3, ठीक है, यहां तक तो समझ गए होगे तुम, मैंने बेस निकाल दिया, ठीक है सर। अब क्या करोगे सर, अब इन ट्राइंगल पी ए सी, इन ट्राइंगल पी ए सी, क्योंकि अगर ये बी क्यू तुम्हारा आ गया है तो ये भी आ गया ना, पी सी भी उतना ही होगा, रेक्टेंगल फिगर है, रेक्टेंगल क्यों है सर, क्योंकि ये 90 है, ये 90 है, ये आपने वैसे ही सीधी लाइन बनाई है 90, सारे एंगल्स 90 हैं, रेक्टेंगल है वो फिगर। इन ट्राइंगल पी ए सी टैन 15 डिग्री, टैन 15 हो गया ए सी अपॉन पी सी, बट पी सी अभी निकाला है, ये चीज तुम्हारी पी सी के बराबर भी होने वाली है, पी सी 10 रूट 3 आ गया, तो टैन 15 जिसकी वैल्यू होती है 2 माइनस रूट 3 ए सी अपॉन 10 रूट 3 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो ए सी बन गया 10 रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3, जिसको ब्रैकेट खोल दूंगा तो 20 रूट 3 माइनस 30 हो गया, 20 रूट 3 माइनस 30 हो गया एसी की वैल्यू, ये क्या आई है, एसी की वैल्यू आई है, तो बस अब तो बीसी भी निकल आएगा मुझे, क्योंकि बेसिकली एरिया निकालना है, ये लेंथ निकालनी रह गई है, तो मेरे माइंड में चल रहा है कि भाई बीसी जो हो जाएगा वो 30 माइनस एसी हो जाएगा, 30 माइनस एसी, तो 30 में से गया 20 रूट 3 माइनस 30, तो 60 माइनस 20 रूट 3 हो गया, क्या चीज, ये हमारा BC हो गया है, ये हमारा BC हो गया है, तो BC आ गया और ये आ गया, तो एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल निकालना था, एरिया तो हमारा बेस इनटू हाइट, रेक्टेंगल का एरिया लगा देता हूं बेटा बेस इनटू हाइट, तो एरिया हो जाएगा, ये तुम्हारा BQ आया था बेस विच वॉज 10 रूट 3,
और इसका हाइट BC आ चुका है 60 माइनस 20 रूट 3। थोड़ा कॉमन वॉमन ले लेता हूँ, 20 कॉमन आ रहा है, 20 200 रूट 3, 3 माइनस रूट 3, रूट 3 भी कॉमन ले लीजिए तो 600 बाहर रूट 3 माइनस 1, इन दोनों में से रूट 3 भी कॉमन ले लिया, 600 इंटू रूट 3 माइनस 1, 600 इंटू रूट 3 माइनस 1, सी ऑप्शन हमारा आ गया है, सी ऑप्शन हमारा बेटा आ गया है, ठीक है ना। देख लो, बढ़िया क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। तो हाइट एंड डिस्टेंस के इस तरह के क्वेश्चंस बिल्कुल 10th लेवल का है, बस 11वीं की ट्रिग्नोमेट्री का क्या काम हुआ है सर, यहाँ सिर्फ 10-15 डिग्री की वैल्यू यूज हो गई और कुछ भी नहीं, वहां पे आपके एंगल ऑफ एलिवेशन 30, 45, 60 बस यही सारे आते थे, अब यहाँ 15 डिग्री पे 76 डिग्री भी आ जाएंगे, 22.5 डिग्री आ जाएगा, तो बस अपने को ये वाली बात याद रखनी है। चलिए एक और देखते हैं, बिल्कुल ऐसा ही 2023 अप्रैल का है, ये भी अप्रैल का है। The angle of elevation of top P of a tower from the feet of one person standing due south of the tower is 45 degree. Angle of elevation of the top P of a tower from the feet of one person standing due south. अच्छा, south में खड़ा है वो, ठीक है, west. अच्छा, तो थोड़ा सा 3D figure बनानी पड़ जाएगी। मान लीजिए ये हमारा tower है, ये हमारा tower है, ये ऐसे बाहर निकला हुआ है, ठीक है, ये अपना पार्क है एक तरह से, और ये एक टावर बाहर निकला हुआ है, तो इसका साउथ मतलब नीचे की तरफ, ये हो गया इसका साउथ, तो ये हो गया इसका साउथ, ठीक है, और ये ऐसे बाहर निकल रहा है, आप इसको इस तरह से सोचें कि ये इस तरह से बाहर की तरफ निकल रहा है, ये आपका बाहर की तरफ आ रहा है, और ये अपना ऐसा है, ये अपनी ऐसे, तो बेसिकली ये एंगल अपना 90 डिग्री हो गया, समझ रहे हो ना, कैसे 90 डिग्री हो गया भाई, ये वाली चीज अपनी, ये टावर अपने ऐसे निकल रहा है और ये अपने जमीन, ये बोर्ड पर ही है, ठीक है, तो टावर ऐसे, थोड़ा सा जो है फिगर और बेटर कर लेते हैं ताकि आपको 3D में विजुलाइजेशन दिखे, ये टावर ऐसे की तरफ है, ये टावर ऐसे बाहर आ रहा है, ठीक है ना, ऐसे आ रहा है, ठीक है जी, और ये आदमी खड़ा हुआ है, तो ये 90 डिग्री है इस तरह से, ये 90 डिग्री एंगल है, हाँ, तो अब क्या कह रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप पी ऑफ अ टावर From the feet of one person standing due south, ये person है जो south में खड़ा है, 45 degree है, यानी ये वाला angle 45 degree है, ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं and from the feet of another person standing due west, west मतलब ये वाली side होती है ना, east west ही होता है, तो जो इधर की तरफ खड़ा है एक आदमी, इधर की तरफ खड़ा है, ये ऐसे ऊपर tower है, तो उसको जो feet of the tower में दिख रहा है, ये भी angle 90 हो गया, ये भी angle 90 degree हो गया, समझ गए ना भाई, ये टावर ऐसे खड़ा है, इस तरह से तुम थोड़ा सा विजुलाइजेशन तुम्हें करना पड़ेगा कि ये टावर ऐसे बाहर की तरफ है PQ, इधर से जो है एंगल ये 30 डिग्री है, बेसिकली बस ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तुम्हें समझना है इस तरह से है, ठीक है, इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 5 मीटर डिस्टेंस बिटवीन द टू पर्सन इज इक्वल टू, बस बहुत ही आसान है, तो ये वाली लेंथ हमें 5 दे रखी है, ये 5 दे रखी है, ठीक है जी, आप इसको इस तरह से विजुलाइज कर सकते हो कि ये वाला एक ट्राइंगल राइट एंगल है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, करेक्ट, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये वाला, ठीक है जी, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और इस ट्राइंगल में अब मैं थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगा देता हूं, सो इन ट्राइंगल इसको मान लो ए और इसको मान लो बी, पी क्यू ए, पी क्यू ए ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, सो tan 45, tan 45 इज 5 अपॉन दिस अपॉन दिस, यानी 5 अपॉन AQ tan 45 हो गया, tan 45 तो 1 होता है, तो AQ की वैल्यू तुम्हारे पास 5 आ गई है, AQ तुम्हारे पास 5 हो गया, ये वाला डिस्टेंस 5 आ गया बेटा, ये वाला डिस्टेंस 5 आ गया, ऐसे ही बिल्कुल इस वाले ट्राइंगल में भी लगा दो, कौन से वाले ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में भी, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसके अंदर तुम क्या कर सकते हो, इन ट्राइंगल पी क्यू बी फिर से परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टैन 30 इक्वल टू 5 अपॉन बी क्यू, तो बी क्यू हो जाएगा 5√3, बी क्यू हो जाएगा 5√3, ये वाली लेंथ 5√3 आ गई, ये भी आ गई, और अब तुम्हें निकालना है ए बी के बीच में डिस्टेंस, तो अब क्योंकि भाई देखो जो साउथ और डायरेक्शन, अब ये बोर्ड की बात हो गई, अब ये प्लेन में है, ये
काला वाला जो रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, ये तो प्लेन में ही है क्योंकि भाई ये साउथ है, ये वेस्ट है, इनके बीच में तो एंगल वैसे ही 90 होता है। तो अगेन दिस बिकम्स अ राइट एंगल ट्राइंगल, ये वाला। इसमें पाइथागोरस लगा दो तो ए बी स्क्वायर बी क्यू स्क्वायर प्लस ए क्यू स्क्वायर, बी क्यू था 5√3, सो 5√3 का स्क्वायर, और ए क्यू था तुम्हारा 5, तो 25 × 3 = 75 + 25, 100 आ गया ए बी का स्क्वायर। तो यानी ए बी की वैल्यू तुम्हारी 10 हो जाएगी बेटा, बी ऑप्शन आ जाना चाहिए, बी ऑप्शन तुम्हारा आ जाना चाहिए। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन, थोड़ा सा 3D में विजुअलाइजेशन थी यहाँ पे कि टावर पी क्यू इस तरह से खड़ा हुआ है यहाँ पे, देख लीजिए भाई, आई थिंक आपको 3D में थोड़ा विजुअलाइजेशन हो पा रहा होगा। फिगर में ये ऐसे बाहर आ रहा है, इस तरह से है। चलो आगे बढ़ेंगे भाई, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए एक और करा देता हूं, बाकी फिर तुम थोड़े घर पे कर लेना, है ना, थोड़े तुम घर पे कर लेना। अ मैन इज ऑब्जर्विंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर अ बोट स्पीडिंग टुवर्ड्स द टावर फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट ए विद यूनिफॉर्म स्पीड। अच्छा क्या बोल रहा है, मैन इज ऑब्जर्विंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, बोट इज स्पीडिंग टुवर्ड्स द टावर फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट ए विद यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। एट दैट पॉइंट एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट विद द मैंस आई 30। चलिए तो एक काम करते हैं, फिगर बना लेते हैं ताकि हमें आसानी रहे। तो ये भाई साहब एक पोल पे खड़े हुए हैं इंसान, ये एक आ रही है बोट, और कह रहे हैं एट सम इंस्टेंट द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री। इस पॉइंट पे 30 डिग्री है एंगल ऑफ डिप्रेशन जब वो बोट ए पॉइंट पे थी। आगे बढ़ते हैं, आफ्टर सेलिंग 20 सेकेंड टुवर्ड्स द बेस ऑफ द टावर, ठीक है, द बोट हैज रीच द पॉइंट बी वेयर द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 45। थोड़ी देर बाद वो यहां बी पे पहुंच गई जहां पे एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 हो गया, और ये जो है 20 सेकेंड चला है यहां तक, ठीक है। आगे पढ़िए, देन द टाइम टेकन बाय द बोट फ्रॉम बी टू रीच द बेस ऑफ द टावर। अब वो कह रहा है कि भाई बी से लेके यहां तक कितनी देर में पहुंच जाएगा, बस ये बता दो, बी से लेके यहां तक कितनी देर में पहुंच जाएगा, ठीक है। बस बहुत ही आसान है, कैसे, मान लीजिए वेलोसिटी को मैं वी मान लेता हूं, बेसिकली तुम्हें बस डिस्टेंस का रेशियो निकालना है, क्योंकि बी डी इज टू ए बी का रेशियो निकल गया तो वेलोसिटी तो सेम है, तो टाइम का रेशियो भी वही रहेगा, वेलोसिटी इक्वल टू स्पीड, सॉरी डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो क्या कह रहा हूं देखो, अभी समझ आ जाएगा। मान लीजिए ये हाइट एच है, हाँ सर ये हाइट एच मान ली, तो भाई इस ट्राइंगल में इसको मान लो ए डी, ये तो था ही, चलो इसको पी मान लो, ठीक है जी, तो पी मान लिया, इसको डी तो दिया नहीं था, इसको पी क्यू ही मान लो, थोड़ा सा ठीक रहेगा कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर इसको क्यू मान लिया तो इन ट्राइंगल पी क्यू बी, ट्राइंगल पी क्यू बी में 10 45 दिस अपॉन दिस, तो ये भी एच ही आ जाएगी, ये भी एच आ जाएगी, मानते हो, ये डिस्टेंस भी एच आ जाएगा। अब बड़े वाले ट्राइंगल में लगाता हूं, इन ट्राइंगल पी ए क्यू, इन ट्राइंगल पी ए क्यू 10 30 डिग्री इक्वल टू एच अपॉन ए क्यू, तो ए क्यू आ जाएगा √3h, यानी ये टोटल जो है √3h हो गया, ये √3h हो गया भाई साहब, यानी इतना ए बी डिस्टेंस, ए बी डिस्टेंस तुम्हारा हो गया √3h - h, तो बेसिकली ए बी डिस्टेंस और बी क्यू डिस्टेंस तुम्हारा आ चुका है, एच के टर्म्स में आया है सर, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी रेशियो चाहिए, तो ए बी अपॉन बी क्यू, ए बी अपॉन बी क्यू क्या हो गया √3 - 1 × h / h, एच एच कट गया। नाउ ए बी डिस्टेंस क्या है, वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी वी मान लेता हूं, और टाइम तो 20 सेकेंड था, टाइम तो 20 सेकेंड था, तो ए बी को लिख लेता हूं वी इंटू 20, बी क्यू को लिख लेता हूं वी इंटू टी √3 - 1, ठीक है जी, तो वी वी कट गए, तो टी हो जाएगा 20/√3 - 1 सेकेंड्स, इतना टाइम लगेगा उसे बी से क्यू तक पहुंचने में, बी से क्यू तक पहुंचने में, यही निकालना था, बी टू रीच द बेस ऑफ द टावर। तो ये इसको रैशनलाइज कर दो, आई थिंक √3 - 1 √3 + 1 2 आ गया, सो 10 × √3 + 1, ये तुम्हारा टाइम इतने सेकेंड्स लगेगा, 10√3 + 1 सेकेंड्स, ए ऑप्शन हो गया। अगेन क्लास 10th लेवल का क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन तुमने 10th में भी करे होंगे, देख लीजिए भाई। अब एक दो घर पे लगा लेना, एक ये रहा और एक ये है,
इनफैक्ट इस वाले में तो बहुत ही प्यारा टेक्निक लग जाएगा। टू वर्टिकल पोल्स ए बी एंड सी डी, दो पोल दिए हैं, ए बी बड़ा है, सी डी छोटा है, ठीक है जी। आर स्टैंडिंग अपार्ट ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड विद पॉइंट्स ए एंड सी ऑन द ग्राउंड, सॉरी उल्टा बना दिया, ए बी, ए और सी को ग्राउंड पे लेना है, सी डी ये जमीन पर ए और सी है, ठीक है। इफ पी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बी सी एंड ए डी, बी सी और ए डी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी कह दिया है, ठीक है। देन द हाइट ऑफ पी अबव द लाइन ए सी, तो ये वाली हाइट एच निकालनी है। अब तुम खुद ही याद करो, खुद ही याद करो, क्या ऐसा टेंथ में तुमने एक फिगर बनाया होगा, 100% तुमने एक क्वेश्चन किया होगा कि अगर ये डिस्टेंस ए होता है, ये डिस्टेंस बी होता है, तो एच 1/h की वैल्यू 1/a + 1/b होती है, एक रिलेशन इस तरह का क्वेश्चन हर किताब में होता है, टेंथ की किताब का क्वेश्चन आ गया। देखो बस ए और बी की वैल्यू दी है 15 और 10, तो 1/h = 1/15 + 1/10, एलसीएम ले डालो। कैसे आता है सर, अभी बता रहा हूँ, रिलेशन भी बता दूंगा जिन्हें नहीं याद आ रहा। तो 5/30 1/h, तो एच हमारा 6 आ गया, ऑब्जेक्टिव ट्रिक, सीधे सीधे बी ऑप्शन आ गया, ठीक है। अब ये रिलेशन कैसे आता है सर, हमें तो याद ही नहीं, हमारी याददाश्त इतनी अच्छी होती तो बात ही क्या थी। तो भाई देखो, देख लो भाई, तुम्हारी याददाश्त अगर कमजोर है तो, अगर कमजोर है तो भाई इधर देख लो, मान लीजिए ये वाला पॉइंट क्यू हो रहा है, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से ही आ जाता है भाई। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से कैसे आता है भाई, इस ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो एच अपॉन बी ए क्यू अपॉन क्यू सी होता है, है ना। चलो इधर लिख देता हूं प्रूफ, जिन्हें नहीं आता टेंथ क्लास की याद आ जाएगी तुम्हें, ठीक है जी। एच अपॉन बी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम भी कहते हैं जिसे, इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, ए क्यू अपॉन क्यू सी, ठीक है सर, ऐसा कुछ हो गया। सिमिलरली इन दोनों ट्राइंगल को देख लो, अब इस तरह से देखो, एक ट्राइंगल ये है और एक ये बड़ा वाला है, सो एच अपॉन ए भी होगा क्यू सी अपॉन ए क्यू, तो एच अपॉन ए हो जाएगा, एच अपॉन ए क्या हो जाएगा भाई देख लो, एच अपॉन ए मैंने गलत लिख दिया रिलेशन, एच अपॉन बी था वो, तो वो होना था ए क्यू अपॉन ए सी होना चाहिए था ना, पूरा रेशियो लिया है, हाँ। अब एच अपॉन ए लेंगे तो क्यू सी अपॉन ए सी, दोनों इक्वेशंस को ऐड, अब ये रिलेशन कैसे आया ये मत पूछना भाई, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम टेंथ की पढ़ो फिर, तो h अपॉन a + h अपॉन b = aq + qc अपॉन ac हो गया, aq + qc तुम देख सकते हो, aq + qc तो ac ही है, तो ये पूरा और ये पूरा कट गया, सो h अपॉन a + h अपॉन b = 1, तो 1/a + 1/b = 1/h हो गया, ये रिलेशन मैंने प्रूव कर दिया, ठीक है। तो देखो 10वीं के क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन पूछ लिया जेई ने सीधा सीधा, तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, अगर आपके पेपर में आते हैं तो बहुत ही ज्यादा आप लकी होंगे। चलिए एक ये सवाल अब आप होमवर्क में कर लीजिएगा, इसको बेटा अब आप होमवर्क में कर लेना, बिल्कुल ही सिमिलर सा ही है, इसी चीज के ऊपर बेस्ड है। अब इसमें कई बार क्या होता है, साइन लॉ को साइन रूल वो सब भी लग जाती है, जो ट्रिगो 3 का पार्ट है, वो वाले क्वेश्चन अभी नहीं करवा रहा हूं, वो हम आगे और करेंगे, तो अभी थोड़े से करवा दिए मैंने हाइट एंड डिस्टेंस रिलेटेड, जिसमें तुम्हारी अभी तक की ट्रिग्नोमेट्री लग रही है, ट्रिग्नोमेट्री 3 के फॉर्मूले लग के भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, वो अभी नहीं, फिर वो बाद में ही होंगे। चलिए एक सवाल लगा के खत्म करते हैं आज की क्लास, मिनिमम वैल्यू ऑफ 2 की पावर sin x + 2 की पावर cos x, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लगता है मुझे। देखो हमें तो इसकी वैसे डायरेक्ट तो आती नहीं, तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर sin x और 2 की पावर cos x क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स हैं, एक्सपोनेंशियल हैं, इनमें am ग्रेटर देन इक्वल टू gm लगा देंगे, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। 2 की पावर sin x क्योंकि प्लस बीच में बन रहा है, तो अर्थमेटिक मीन में ऐसा आता ही है, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, मतलब इनको मल्टीप्लाई 2 की पावर sin x इंटू 2 की पावर cos x और ले लेंगे रूट, या कह लो पावर हाफ ले लेंगे, एक ही बात है, जैसे बोलना है बोल लो, ठीक है जी। और इस चीज को तो तुम सपोज y बोल दो, जो y हमें दिया हुआ है इसको मैं y बोल देता हूं, बार बार ना लिखना पड़े इसलिए, तो y अपॉन 2 यहां आ जाएगा 2 की पावर sin x + cos x, करेक्ट, और होल पावर हाफ, पावर तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, बाय 2 ऐसे हो जाएगा, करेक्ट, इतना हो गया। अब देखो बड़ी प्यारी बात, sin x + cos x की तुम्हें पता है, sin x + cos x की मिनिमम वैल्यू -√2 होती है,
मैक्स वैल्यू रूट टू होती है, मिनिमम माइनस रूट टू, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस रूट टू हो गया, बट हमें साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन टू करना है, तो इसको टू से भी डिवाइड कर दो, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाय टू, रूट टू काट दो, माइनस वन बाय रूट टू से बड़ा हो गया, बट हमें इसको पूरे को टू की पावर रेज करनी है, तो टू की पावर रेज कर दो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाय टू विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू टू की पावर माइनस वन बाय रूट टू, है ना। तो यानी ये चीज जो है इससे बड़ी है, तो यहां इसको यूज कर लेता हूं भाई, ये इससे बड़ी है और ये इससे बड़ी है टू की पावर माइनस वन बाय रूट टू से, करेक्ट। ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी, है ना। तो यानी कि वी कैन से ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, सो वाई बाय टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू की पावर माइनस वन बाय रूट टू, टू उधर ले जाइए, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू की पावर वन माइनस वन बाय रूट टू, टू की पावर वन माइनस वन बाय रूट टू, सी ऑप्शन आ गया है, मिनिमम वैल्यू ऑफ y। खुद से नहीं सोच सकते, थोड़ा सा मुश्किल है अभी तुम्हारे लिए खुद से सोचना, बट सीक्वेंस सीरीज जब पढ़ लोगे तब ये चीजें खुद से भी सोच पाओगे, क्योंकि ए एम जी एम इनइक्वालिटी मेनली हम सीक्वेंस सीरीज में पढ़ेंगे, हल्का फुल्का मैंने आज बता दिया है, तो मैं तुम्हारी लेक्चर्स में भी बता दिया था ए एम जी एम इनइक्वालिटी, बट मेन कॉन्सेप्ट इसका वहीं पर आने वाला है। चलिए तो इसके साथ ही हमारा समाप्त हुआ। अब सर होमवर्क में क्या करना है, होमवर्क में भाई तुम ट्रिग्नोमेट्री वन के बिल्कुल बिंदास पीवाई क्यूज लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जेई मेंस के हैं, जेई एडवांस के 80-90% वाले तुम अटेम्प्ट कर सकते हो, बाकी 5-10% ऐसे होते हैं जिसमें और भी टॉपिक्स मिक्स हो रहे हैं, वो शायद नहीं कर पाओगे, बाकी कहीं सीक्वेंस सीरीज लग रहा है, कहीं कैलकुलस लग रहा है, वो नहीं कर पाओगे, बट मोस्टली पीवाईक्यूज अब तुम अटेम्प्ट कर सकते हो। हालांकि आज भी मैंने काफ़ी करा दिए, आप कोई भी किताब उठा लीजिए जो भी आपके पास है, वहां से आप और पुराने सालों के 2020, 2019, 2018 इन सब के लगा के देखिए कि आपसे हो रहे हैं या नहीं हो रहे, क्योंकि मैंने 22 और 23 के मोस्टली तुम्हें सारे करा दिए हैं, 24 में बहुत ज़्यादा आए नहीं थे, थोड़े बहुत थे वो क्लास में करा दिए थे, तो बचे अब 20, 19, 20, 21, ये 3 साल के भी अगर तुम लगा लो बहुत है, इससे ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री में तुम्हें बहुत ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ हम आ गए हैं लेक्चर के अंत की ओर, आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया इस सेशन, मुझे तो भाई बड़ा मज़ा आया तुम लोगों को इतने सारे क्वेश्चंस करा के। अब देखो रिकॉर्डेड सेशन में थोड़ी स्पीड ऑब्वियसली ज़्यादा रहती है लाइव के मुकाबले, बट उसका फ़ायदा ये है कि आपके पास ही कंट्रोल है, आपको अगर स्पीड फास्ट लग रही है तो थोड़ा कम स्पीड पे देख लीजिए, दोबारा रिवाइंड करके देख लीजिए, आपको स्पीड स्लो लग रही है आप 1.5x पे देख लीजिए, और पॉज कर करके ट्राई करे होंगे, उम्मीद ये है कि आपने पॉज कर करके ट्राई किए होंगे, तो बताना जरूर मुझे चैट पे, मैं कमेंट्स पढ़ूंगा आप लोगों के कि भाई कितने क्वेश्चंस थे सर, हमसे खुद से हो रहे थे, मज़ा आया, कैसा लगा तुम्हें इस प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन के अंदर, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं हम लोग अगले इस तरह के डिस्कशन में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड लव यू ऑल।